आप सुन रहे हैं सीएमएस एफएम 91.1 पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो मनपसंद। आज है रविवार 16 जुलाई 2023 और मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी अगले दो घंटे तक। आज कैनबरा का मौसम खूबसूरत मौसम है। ये कैनबरा की खास विंटर का दिन होता है जब सर्दियों का दिन होता है। खूबसूरत धूप निकली हुई है, खुशनुमा धूप निकली हुई है आज सुबह। सर्दी तो काफ़ी थी सुबह, लेकिन कैनबरा की ये खूबसूरत सुबह में मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम पर। और जहाँ तक कैनबरा की इस साल जो है सर्दी कुछ अजीबोगरीब रही है, इस तरह के दिन जो कि हमेशा अमूमन देखने को मिलते हैं, इस बार वो दिन बहुत कम देखने को मिले हैं। काफ़ी विंड चिल रही है, क्लाउडी रहा है, इस तरह की धूप देखने को बहुत ही कम मिली है। और ऐसा लग रहा है कि ये मौसम जो है अनयूजुअल हर जगह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आपको मालूम ही है कि इस समय बाढ़ में डूबा हुआ है, इस बार जो है वहाँ पर बारिश करीब जो हमेशा एवरेज रेनफॉल होती है उससे 113% कहीं अधिक हुई है। यूरोप और यूएस गर्मी में झुलस रहे हैं, 40 डिग्रीज़ के ऊपर जो है टेम्परेचर रोज़ देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ा ही अनयूजुअल है इन जगहों पर। यूरोप और यूएस में, साउथ कोरिया में आपने सुना कि बाढ़ की वजह से काफ़ी वहां पर भी ट्रेजडी हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि एक अनयूजुअल वेदर का पैटर्न हर जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन आज का दिन यहाँ पर खूबसूरत दिन है। तो चलिए इसको आज इन्जॉय करते हैं अपने रेडियो मनपसंद पर। और जिस तरह से हम इस प्लेनेट को गर्म कर रहे हैं, तो लगता है कि इस प्लेनेट रहने लायक नहीं रहेगा, और इसीलिए अब तलाश हो रही है स्पेस पर जाने की। और भारत ने भी इस स्पेस रेस को ज्वाइन किया है और हाल ही में कल ही अपना जो है एक रॉकेट चाँद पर भेजा है, मून पर भेजा है। जी हाँ, चाँद पर वो रॉकेट गया है और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि भारत सोच रहा है कि वहाँ पर स्पेस स्टेशन बनेगा। तो लगता है कि हमारी ये धरती तो रहने या योग्य नहीं रहेगी, हमें जाना पड़ेगा कहीं मंगल या अन्य किसी ग्रह पर रहने के लिए। ये तो खैर समय ही बताएगा। आज का समय, आज का अगले दो घंटे का समय आपका मेरे साथ है और आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह कई विविधताओं से भरपूर है। जहाँ तक हमारा मानव का स्वभाव है, हमेशा हम संघर्ष करके उन बुलंदियों को छूते हैं, चाहे किसी भी परिस्थितियों में रह रहे हों। और ऐसी एक प्रेरणादायक स्टोरी लेकर आ रहे हैं हम, आपका परिचय करा रहे हैं एक सुमित धवन नाम के युवक से आज के प्रोग्राम में, जो कि दिल्ली की एक स्लम में रहते थे। और उस स्लम में रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके इतना अच्छा काम किया कि उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से की ओर से एक स्कॉलरशिप मिली और वो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में पढ़ रहे हैं। और इसमें उनकी सहायता करी आशा नाम के एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन ने। जी हाँ, सहायता तो बहुत लोगों ने की, लेकिन इनके सुमित धवन के साहस और परिश्रम की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि जिन परिस्थितियों में रहकर वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी को हम आपको सुनाएंगे। और साथ ही साथ जब इंस्पिरेशन की बात आती है, तो ये भी कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में काफ़ी एक बड़ा हिस्सा रोल जो है अदा करती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अक्सर ये माना जाता है कि जब आप रिटायर हो जाओ उसके बाद ही काम आती है, लेकिन आपकी रोज़मर्रा के जीवन में भी स्पिरिचुअलिटी के काफ़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब आप आज वीकेंड है और कल आपको जाना है जॉब पर, और आपको अधिकांश लोग हम अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, या तो बोर्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इसलिए वीकेंड आते ही, संडे को आते ही एक अलग तरह का बुखार चढ़ जाता है कि कल काम पर जाना है, और ख़ास करके अब स्कूल हॉलीडेज़ पर। तो क्या स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन को सुधार सकती है और साथ ही साथ जॉब सेटिस्फेक्शन को भी सुधार सकती है? एक अपने आप में
अलग तरह का सवाल है और इस अलग तरह के सवाल का जवाब दे रहे हैं सूर्य प्रकाश नाम के एक हमारे एक अन्य युवक जो कि यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं इस विषय पर, इस विषय का उत्तर पाने के लिए कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन को सुधार सकती है, हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन को सुधार सकती है। तो उनके साथ भी आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और आपने सुना होगा गूगल का डूडल। जी हाँ, गूगल का डूडल 12 जुलाई को आया था और गूगल के डूडल इस बार जो है एक अलग विषय पर था। हाँ, इस बार दिखाई दिया। हालांकि गूगल के डूडल जो है हमेशा होते हैं किसी खास आदमी पर, खास इवेंट पर, लेकिन इस बार गूगल के डूडल पर थे गोलगप्पे। जी हाँ, पानी पूरी किसको अच्छी नहीं लगती है। तो उस विषय पर भी बातचीत करेंगे और मुझे विश्वास है कि पानी पूरी आपको हमेशा अच्छी लगती है, सभी का फेवरेट स्नैक है। तो अगर आप इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, आपको गोलगप्पे क्यों अच्छे लगते हैं, गोलगप्पे की फीलिंग्स में क्या अच्छा लगता है, क्या आपको जलजीरा अच्छा लगता है, बूंदी अच्छी लगती है, चिकपीज अच्छी लगती है, इमली अच्छी लगती है, मुँह में पानी आ रहा है ना आपके, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 6287-4347 पर, 6287-4347 पर, या हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 0414-527-962 पर। तो अगले दो घंटे हमारे साथ चार कदम चलिए, और चार कदम चल रहे हैं तो चलिए ये गीत सुनते हैं और इसके बाद आपसे बातचीत जारी रखते हैं। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम चल दो ना साथ मेरे। रंबो रे रंबो रे रारो रारो रे, रंबो रे रंबो रे रारो रारो रे। राहों में तुमको जो धूप सताए, छाँव बिछा देंगे हम, अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम, छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे चार कदम।
जी हाँ, ये चार कदम चल रहे हैं आप रेडियो मनपसंद पर किशोर नंगरानी के साथ। आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 91.1 पर, और साथ ही साथ ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं अपने फेवरेट रेडियो मनपसंद ऐप पर। जी हाँ, रेडियो मनपसंद का ऐप जो आपको आईफोन और साथ ही साथ एंड्रॉयड के लिए फ़ोन्स पे भी उपलब्ध है, रेडियो मनपसंद का ऐप। तो 24 घंटे सातों दिन हम आपके साथ रहते हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम आपके साथ जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अगले 2 घंटे तक है, और इसमें जैसा कि इन चार कदमों में हम हंसते रहेंगे, लतीफ़े सुनाते रहेंगे और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ और अन्य विषयों पर भी बातचीत करते रहेंगे। आपको मालूम ही है, जब आप गूगल पर जाते हैं तो हर दिन एक नया डूडल देखने को मिलता है। उस दिन किसी जाने माने व्यक्ति का जन्मदिवस या फिर किसी खोज या किसी आविष्कार की वर्षगांठ, जो कि सारी दुनिया को उसमें एक परिवर्तन ला सका है, उसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। लेकिन 12 जुलाई को गूगल के डूडल पर थी पानी पूड़ियाँ या गोलगप्पे। मुँह में पानी आ गया ना आपके। आपको मालूम ही है कि गूगल के CEO हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। शायद सुंदर पिचाई को गोलगप्पे शायद अच्छे लगते हैं, और हो सकता है कि उनके किसी स्टाफ ने, जो प्रमोशन का इंतज़ार कर रहा है, बॉस को खुश करने के लिए गोलगप्पों का डूडल्स लगा दिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 12 जुलाई का दिन गोलगप्पों के इतिहास में एक अच्छा खासा दिन है। उस दिन 2015 में मास्टर शेफ नेहा शाह ने इंदौर में इंदौरी जायका नाम के रेस्तरां में 51 स्वादों की पानी पूड़ियां, जी हाँ, आपको मालूम भी नहीं होगा कि 51 फ्लेवर्स की, शायद मालूम भी हो, 51 फ्लेवर्स की पानी पूड़ियां सर्व करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को कि जो है 8वीं वर्षगांठ है गूगल मना रहा था। इस गूगल डूडल पर पानी पूड़ियों के सर्व करने का एक मज़ेदार गेम भी था, और दो तरह के गेम थे। आप टाइम्ड गेम खेल सकते हैं या रिलैक्स्ड गेम खेल सकते हैं, इंटरैक्टिव गेम था। और इस गेम में आपको पानी पूड़ियाँ सर्व करनी थी विभिन्न कस्टमर्स के, विभिन्न फ्लेवर्स की पानी पूड़ियाँ। जी हाँ, और मैंने भी कोशिश करी, चलो ये खेल खेलते हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इस खेल में बुरी तरह नाकामयाब रहा। शुक्र है मेरा गोलगप्पे का ठेला नहीं है, वरना कस्टमर्स को गोलगप्पे खिलाने के बजाय मुझे उनकी जायकेदार मार खाने को खूब मिलती। गोलगप्पा सारे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, पानी पूड़ी, पानी के बताशे, फुचका वगैरह वगैरह, मगर मुझे गोलगप्पा नाम बड़ा अच्छा लगता है। वजह यह है कि गोल तो होता ही है, उसकी शेप तो गोल होती ही है, मगर इसे गप से खाना होता है, गप्पा। अगर आपने थोड़ी सी भी झिझक दिखाई, थोड़ा सा भी संकोचा, जो झिझका वो खिसका, यानी सारी पानी पूड़ी उस पर फैल जाएगी। कहते हैं कि जब पांडव वनवास में थे तो उनके खाने पीने के सामान की काफ़ी किल्लत थी, तो एक दिन बस एक पूड़ी लायक आटा बचा था और कुछ बची खुची सब्जियां बची थी, और सास कुंती जी ने द्रौपदी को ऑर्डर किया कि अब इस सामान से वो सभी के लिए खाना बनाएं। एक पति के लिए तो खाना बनाना मुश्किल ही होता है, आपको मालूम ही है, और द्रौपदी के तो 5-5 पति थे, और कोई आसान पति नहीं थे, कोई धनुर्धारी था तो कोई महाबली था, तो इन 5 पतियों के कैसे उनका पेट भरे। परंतु द्रौपदी भी कम रिसोर्सफुल नहीं थी, कहते थे उनके बर्तन में एक भी अगर दाना बचा तो हो तो वो सबका पेट भर देती थी। तो द्रौपदी ने एक पूड़ी के आटे और बची खुची सब्जियों से बनाई कुछ पानी पूड़ियाँ, और उन्हें खाकर सत्यवादी युधिष्ठिर सत्य की जगह चटकारे लेने लगे, और धनुर्धारी अर्जुन का निशाना हमेशा सही लगता था लेकिन पानी पूड़ियों का निशाना उन पर सही लगा, और महाबली भीम महाबली तो जरूर थे लेकिन पानी पूड़ियाँ खाकर वो जो है धराशायी हो गए, और सास बहू के खाने का तो अप्रिशिएट बहुत कम ही करती हैं, लेकिन कुंती सास ने उनके इस नए व्यंजन को बड़ा अच्छा उनको लगा और उसको सर्टिफिकेट दिया पास होने का, और उस व्यंजन को अमर घोषित किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है, गोलगप्पे अमर ही हो गए हैं, देशों विदेशों आज सदियों बाद भी गोलगप्पे हर जगह खाए जाते हैं, और उनके तो सुनकर नाम में सुनकर ही पानी आ जाता है। वह जलजीरा और बूंदी का पानी आपके बरसों की कब्जियत दूर कर सकता है, और अब तो पानी पूड़ी फाइन डाइनिंग रेस्तरांस के में भी दुनिया भर में मिलती है।
अहमदाबाद में भड़कते शोलों वाली पानी पूरी मिल सकती है, तो कलकत्ता में थम्स अप वाली पानी पूरी मिलती है, और अंधेरी की बार में तो वोडका की भी पानी पूरी मिलती है। और यहाँ आपका मास्टर शेफ़ का प्रोग्राम होता है, और मास्टर शेफ़ के एक कंटेस्टेंट मेलबर्न के डॉक्टर थे अदी नेवगी, उन्होंने थे अवोकाडो और सैमन की फिलिंग से डालकर पानी पूरी में जजिस का मन मोह लिया था। अब हार्बर साइड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में ज़रूर पानी पूरी मिलती है खूबसूरत प्लेटों पर, खूबसूरत कांच के गिलासों में, लेकिन वो मज़ा, वो जायका नहीं आता जो हमारे कस्बे में सड़क के किनारे ठेले पर वो भैया जो गोलगप्पे खिलाता था। अब सुंदर पिचाई अपनी एआई से यह दावा ज़रूर कर रहे हैं कि सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो 5 साल पहले ही आपको ये बता देंगे कि आपको हार्ट डिजीज़ होने वाली है नहीं है। तो आप ये कहेंगे उनके लिए पानी पूरी बनाकर सर्व करने वाले रोबोट्स बनाना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका रोबोट वह पानी पूरी का वह पानी नहीं बना पाएगा, और उसका वो स्वाद नहीं ला पाएगा जो कि ठेले वाले के घड़े में होता है। वो घड़ा, जी हाँ, वो घड़ा जो पांडवों के युग से कभी धुला नहीं है, उसका स्वाद क्या कहें, अलग ही होता है, और सड़क की धूल और गहमा गमी सब उस घड़े के अंदर जाती है। और वो भैया के मैले कुचैलों पर मेहनत और प्यार के हाथों से बनी खस्ता गोलगप्पे जो बनते हैं, वो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम गोलगप्पों के से लाख गुना बेहतर होते हैं। और इस अलग जायके से खिंची आती हैं कस्बे की सारी सुंदर लड़कियां, जिनके मुंह में पानी आता है पानी पूड़ियाँ देखकर, और उन्हें देखकर लार टपकाते हुए आते हैं शहर के सारे छोकरे। कैसे बनेगा सुंदर पिचाई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यह माहौल, यह अलग दुनिया, और कैसे बनेगा भैया थोड़े और पानी देना, थोड़े और पानी देना, और भैया प्यार से पानी उड़ेलता रहता है। कर पाएंगे ये रोबोट? और फिर आप 5 गोलगप्पे का ऑर्डर करते रहो और फिर 25 खाने के बाद बंद करते हो, कर पाएगा ये रोबोट? और फिर वह कंपटीशन जो होता है सड़क पर बैठ के कि कौन ज़्यादा खाता है पानी पूड़ियाँ, वो कंपटीशन हो पाएगा? आपको याद होगा रब ने बना दी जोड़ी का वो मशहूर सीन। चलिए देखते हैं वो कंपटीशन। अगर आपके पानी पूरी के नाम से मुंह में पानी आ गया है तो ज़रा आप हमें भी फ़ोन कर सकते हैं 6287-4347 पर, या हमें भेज सकते हैं टेक्स्ट 0414-527-962 पर। लेके चलते हैं हम आपको रब दी जोड़ी का ये जो है मशहूर कंपटीशन का सीन। छोटे पाजी तुसी बस लेते आओ, टुडे नो लिमिट। चंगा जी चंगा। ओ चंगा की होए, नो लिमिट मतबल राज पार्टनर गोलगप्पा कंपटीशन। इसमें भी कंपटीशन? यस। ओ तो फिर एक बात दस, जीतने वाले को प्राइज क्या मिलेगा? हां जीतने वाला हारने वाले से कोई भी एक काम करा सकता है। कोई भी? बिल्कुल। और हारने वाला नानी कह सकता? तो नानी पार्टनर आप हार गए, आज रात सारे अमृतसर के गोलगप्पे खा जाएगा, पर हारेगा नहीं। वी सी असली लो जी कके ले आओ ले आओ गोलगप्पे ले हारने हारने 1 2 GO। गोलगप्पा चैंपियन। Oh!
तो ये था रब दे बना दी जोड़ी। चलिए उसका एक गीत सुनते हैं। हाँ, इसमें तो शाहरुख जाए कंपटीशन जीते। आपने कोई जीता है कोई पानी पूरी का कंपटीशन? शायद हाँ शायद नहीं, तो शेयर करिए हमारे साथ और सुनिए ये गीत रब ने बना दी जोड़ी का। रब ने बना दी जोड़ी। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। मैंने नजरों से तुझे छू लिया, ओहो कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना इतना ही जानूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तरसाए तेरा साया छेड़ के चूमता, ओ तुझ मुस्काए तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता, तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना दिखता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर और रेडियो मनपसंद ऐप पर। आपसे बात कर रहे थे गोलगप्पे और पानी पूड़ियों की बात, लेकिन अब थोड़ी एक अलग बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बासु बंका जी और लखन शर्मा जी, जो एक खास कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं जो हाल ही में होने वाला है। नमस्कार बासु जी। नमस्कार बासु जी और लखन जी। नमस्कार किशोर जी एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ योर लिसनर्स। जय श्री श्याम। नमस्कार जी एवरीबॉडी।
अच्छा, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे गोलगप्पों के बारे में, आप दोनों को गोलगप्पे अच्छे लगते हैं? बहुत ज्यादा हम तो इंडिया उसी के लिए जाते हैं इंडिया जाना पड़ता है आपको, यहाँ पे नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया में? यहाँ पे भी आजकल बहुत मिलने लग गया है, लेकिन इंडिया जैसा स्वाद आता है नहीं आता है? वो नहीं आ सकता है, और जैसे आप बता रहे थे हर जगह का अलग स्वाद है, मेरे को तो कलकत्ता का गोलगप्पा जिसको लोग फुचका बोलते हैं बेस्ट लगता है। अच्छा, और लखन जी आप बताइए। बिल्कुल जी, गोलगप्पे किसको पसंद नहीं है, हम तो जब भी मौका लगता है तो कहीं ना कहीं कोशिश कर ही लेते हैं किसी ना किसी तरह से। अच्छा, और कुछ नहीं होता तो कभी भारत से ही ले लेते हैं कि भैया उठाओ उनसे पैकेट लेके आओ और घर में बना के खा लो, और कुछ नहीं हो पा रहा है तो आपका रिकॉर्ड कितना रहा है, आप दोनों का कितना मैक्सिमम खा सकते हैं? कंपटीशन वाले में नहीं जाते, देखिए कंपटीशन अपने अपने बस की बात नहीं है, पेट को इतना कष्ट नहीं दे सकते कि भाई नुकसान हो जाए सही बात है, जीप तक लिमिटेड रखते हैं। दैट्स गुड आइडिया। चलिए, अब आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जरा उस प्रोग्राम के बारे में बताइए, बड़ा अच्छा कार्यक्रम ला रहे हैं आप यहाँ पर। हाँ जी, तो मैं बासु बंका, मैं शुरुआत करता हूँ फिर लखन जी को मैं इनवाइट करूंगा, कुछ बोलेंगे। ये प्रोग्राम है खाटू नरेश श्री श्याम जी का भजन प्रोग्राम है, सैटरडे 22nd ऑफ जुलाई 10:30 AM स्टार्ट है हिंदू टेम्पल फ्लोरी में। खाटू नरेश जो श्याम जी होते हैं वो कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं, महाभारत से उनका बहुत बड़ा स्टोरी लगा हुआ है, बहुत सारे स्टोरी है बट इन शॉर्ट कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो ये जो भजन प्रोग्राम हो रहा है ये श्याम जी का और माता जी का भजन है, और जो सिंगर आ रहे हैं बहुत रिनाउंड सिंगर है, मयंक अग्रवाल जी इंडिया से आ रहे हैं, ही इज एक्चुअली अराइविंग इन कैनबरा ऑन थर्सडे, तो सैटरडे को प्रोग्राम है। तो इसमें काफी सारा आयोजन किया गया है, 10:30 स्टार्ट होगा, फिर भजन प्रोग्राम चलेगा रफली 2.5 hours, बीच में थोड़ा सा स्नैक्स का बंदोबस्त है, और अराउंड 2 PM महाप्रसाद सर्व होगा। अच्छा, तो ये प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं राजस्थानी समाज इन कोलैबोरेशन विद हिंदू टेंपल फ्लोरी। अच्छा, बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं, एक महीने से इनफैक्ट ज्यादा हो गया इसका प्लानिंग चल रहा था, वीसा वगैरह कराने के लिए सब कुछ, काफी सारे स्पॉन्सरर्स हैं जो फ्लायर में मेंशनड है, काफी सारे अनोनिमियस स्पॉन्सर्स भी हैं जो हेल्प किए हुए हमको, तो इट्स अ बिग इवेंट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया से श्याम भजन सिंगर आ रहे हैं कैनबरा में, तो सबको निमंत्रण है, सब आए पार्टिसिपेट करें, काफी अच्छा वेदर है, मैं अभी जस्ट चेक करा था सैटरडे 22nd ऑफ जुलाई, और कोई किसी भी तरह से हेल्प करना चाहे फाइनेंशियली या अदरवाइज किसी भी ऑर्गेनाइजर्स को कांटेक्ट कर ले, रेडियो मनपसंद का फेसबुक में भी फ्लायर लगा हुआ है, तो यही है शॉर्टली। अब आप पूछिए कोई सवाल है तो, नहीं तो लखन जी मयंक जी के बारे में थोड़ा बताइए, कि आपने बताया कि मयंक जो है काफी रेनाउंड सिंगर्स हैं, हाँ, उनके बारे में बताइए हाँ, थोड़ा सा। हाँ, तो मयंक अग्रवाल जी बेसिकली सोनीपत के हैं जो दिल्ली के पास होता है, हाँ, काफी युवा सिंगर है। इंडिया में श्याम बाबा को एक्चुअली राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में बहुत मानते हैं, तो इंडिया में मोर और लेस हर बड़े शहरों में ये प्रोग्राम रेगुलरली करते हैं। अभी रिसेंटली कलकत्ता में इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, हर जगह करते हैं, इवन साउथ इंडिया में भी करते हैं, एब्रॉड ये बैंकॉक मेरे को जहां तक पता है 4-5 बार प्रोग्राम कर चुके हैं, नेपाल में कर चुके हैं, और अभी फर्स्ट टाइम ये ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, एंड वो बहुत ही युवा है, जैसे मैं बताया आई थिंक 30-31-32 साल के है, तो उनका जो भक्ति भाव है वो अगर किसी को देखना है तो यूट्यूब में प्लीज टाइप कीजिए मयंक अग्रवाल जी, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है यूट्यूब में, सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर श्याम भजन सिंगर्स इन इंडिया, तो प्लीज आप लोग आइए एंजॉय कीजिए, इट विल बी रियली रियली गुड। हाँ, ऐसे क्वालिटी प्रोग्राम्स वैसे यहाँ पर कैनबरा में हमें कमी देखने को मिलते हैं, तो वो यहाँ कैनबरा ही आ रहे हैं और शहरों में भी जा रहे हैं? नहीं, कैनबरा में प्रोग्राम करेंगे सैटरडे, और उसके बाद नेक्स्ट डे संडे उलुंगोंग में प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, और वीकेंड आफ्टर 29th को मेलबर्न में प्रोग्राम करेंगे बिफोर ही लीव्स फॉर इंडिया। अच्छा, और लखन ये जो प्रोग्राम, सॉरी और एक चीज ऐड करूं, ये जो प्रोग्राम हो रहा है हमारा जो हिंदू टेंपल एंड कल्चरल सेंटर में नया शांति निकेतन हॉल बना है, हाँ, उसी में हो रहा है, लॉट ऑफ पीपल हैवंट सीन द हॉल, सो इट इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कम एंड सी द हॉल एज वेल, बहुत बढ़िया हॉल बना है विद
वेरी गुड साउंड सिस्टम एंड एवरीथिंग. सो पहले वाला हिसाब नहीं है जो मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता था, तकलीफ होता था. इट विल बी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम और सब कुछ सही ढंग से होना है. नहीं, वो हॉल मैंने भी देखा, बहुत ही खूबसूरत हॉल है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है. जैसा कि आपने बताया कि साउंड सिस्टम और बैठने और उसका स्पेशियस है, काफ़ी जगह है, तो ये अपने आप में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस, अलग तरह का अनुभव होगा वहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम देखने का. लखन जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? बासु जी ने वैसे ज्यादातर इन्फॉर्मेशन बता दी है, लेकिन थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूँ. उन्होंने जो बताया है कि खाटू श्याम जी कौन है, जैसा कि किशोर जी आपको पता होगा कि महाभारत में दिखाया था थोड़ा सा ना बीच में जी, कि भी कैसे जो खाटू श्याम जी का जो ओरिजिनल नाम जो है वो बर्बरिक है. तो आपको ध्यान होगा कि उसमें दिखाया गया था कि बर्बरिक जो है वो घटोत्कच के पुत्र है और उनकी इतनी क्षमता थी कि वो जिस की तरफ से भी लड़ते वो पक्ष जीतता ही जीतता. तो कृष्ण भगवान ने देखा कि भाई यदि किसी एक तरफ से चले गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये उनका ये वचन था कि भाई मैं उसको सहायता करूंगा जो कमजोर होगा. तो कृष्ण भगवान को लगा कि भाई ये तो कौरवों की साइड चले जाएंगे, कि उनको दिखेगा कि भाई कौरव जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा. और उनकी तरफ से लड़ते तो युद्ध एक दिन क्या एक क्षण में शायद खत्म हो जाता. वो कह रहे थे कि उनके पास तीन ऐसे बाण है जिससे कि सारा काम एक साथ खत्म हो जाता जी. तो उसको देखते हुए कृष्ण भगवान ने उनको उनसे मिले और उनसे बात करी. तो तब उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे अपनी शक्ति दिखाओ, शक्ति दिखाओ कि क्या है. तो उन्होंने एक पेड़ के ऊपर शायद दिखाया था कि एक पीपल का पेड़ है, उसके पत्तों को छेदना था, ऐसा कुछ करके कुछ. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं. तो जब वो सारा काम उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये तो कर सकता है, और उसी के पार्ट में उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रखा था उस परीक्षा के पार्ट में ना जी. तो जब जब सारे पत्ते उनके उन्होंने सारे पत्तों को छेद कर दिया तो भगवान बोले बोले नहीं एक पत्ता बाकी है. तब बर्बरिक ने कहा कि वो पत्ता भगवान आपके पैर के नीचे है, इसीलिए मेरा तीर वहां आपका इंतजार कर रहा है. अच्छा. तो भगवान ने उसको फिर कहा कि भी तुम मुझे अपना सर काट के दे दो, इस युद्ध में तुम्हारा यही रोल है. अच्छा. तो उसने कहा कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं इस युद्ध को, मेरे सिर को ऐसी जगह स्थापित कीजिए जहां से कि मैं इस युद्ध को देख सकूं. और एज पार्ट ऑफ उस वरदान के पार्ट में उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यहाँ इस पहाड़ पे स्थापित करेंगे जो कि आजकल खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, और मेरा इस विश्व भारतवर्ष में संसार में लोग तुम्हें मेरे नाम श्याम से जानेंगे. अच्छा. इसीलिए उनको एक तरह से श्याम कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है. अच्छा, उन्हें कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है कि वो अवतार है. अच्छा. क्योंकि श्याम कृष्ण भगवान ने अपना श्याम नाम उनको दिया था. अच्छा. तो ये तो आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई. इसके पीछे जो है, अगर आप सोच के जाएं खाटू श्याम है क्या, आप सोचते हैं कि खाटू श्याम शायद कृष्ण भगवान के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का ही अवतार है. लेकिन उसके पीछे की कथा जो आपने सुनाई बड़ी अच्छी रही. जी. तो इसीलिए अब आपको पता ही है कि क्योंकि राजस्थान में है तो राजस्थान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है जी. और आप जानते हैं कि राजस्थानी देश के किस कोने में नहीं है. सही बात है. है ना जी. तो जी. जहाँ जहाँ राजस्थानी है वो जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन है, और इसीलिए उन राज्यों में भी इनकी पॉपुलैरिटी उस हिसाब से बढ़ी है. अच्छा. इसीलिए लोग वहाँ के लोग भी जानते हैं. अच्छा. तो कैनबरा में हालांकि हम राजस्थानी लोग मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली इसमें राजस्थानी लोग ही आएंगे जी. हम चाहते हैं कि हर कोई आए और भजन का उस माहौल का आनंद ले, और जो हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जो चीज प्रमोट कर रहे हैं उसका भाग बने. बहुत अच्छी बात बताई आपने. जरूर आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि राजस्थानी समाज के तक ही सीमित नहीं है, कृष्ण भगवान तो हमारे सारे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं, तो उनका ये भजन सुनने का तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है. वो भी मयंक अग्रवाल जैसे नामी गिरामी गायक आ रहे हैं, तो ऐसे अवसर बहुत ही कम होते हैं जी. तो हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं कि देखें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से, कैसा उनको वहाँ पे मिलता है जी.
बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी और बासु जी इस हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि कार्यक्रम 22 जुलाई को हो रहा है हिंदू जी 22 जुलाई शनिवार सुबह 10:30 बजे अगले शनिवार को सुबह 10:30 बजे HTCC के नए हॉल शांति निकेतन हॉल में ये जो है कार्यक्रम हो रहा है। और इसकी जानकारी के लिए आप बासु जी और लखन जी के साथ संपर्क कर सकते हैं और हमारे रेडियो मनपसंद पर भी ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है जी। और आई एम श्योर कि यदि कोई घर पे भी कराना चाहेगा तो हम सोच सकते हैं, उनसे बात करके पता कर सकते हैं कि वो संभव है कि नहीं है, यदि किसी को अपने घर में भी कुछ कराना हो। और जैसा कि बासु जी ने कहा कि खाली श्याम जी के ही भजन नहीं है, माता के भजन भी गाएंगे वो। अच्छा धन्यवाद, धन्यवाद बासु जी और लखन जी, जरूर ये कार्यक्रम सफल होगा। धन्यवाद, थैंक यू किशोर जी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे बासु जी और लखन जी जो बता रहे थे वहाँ यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है। आइए एक और गीत सुनते हैं, फिल्म लक्ष्य क्या, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं सुमित धवन के बारे में, जो मैंने बताया एक इंस्पायरिंग स्टोरी उसकी सुनेंगे, सुमित धवन से उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी। लक्ष्य का ये गीत सुनते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। जी हाँ, लक्ष्य तो पाना ही है हर हालत में। ये लक्ष्य का एक मोटिवेशनल गीत था, और जब मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन की बात कर रही है तो हम एक ऐसे आपका परिचय एक ऐसे युवक से करा रहे हैं, सुमित धवन से, जिसने ये साबित किया है कि वो इकबाल साहब का शेर था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुमित धवन एक दिल्ली की स्लम टिगरी में रहते थे
और बड़ी कठिन और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में रहते थे। हम अक्सर सोचते हैं महानगरों में रहने वाले जो मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग हैं झुग्गी झोपड़ियों को एक तरह का आईसोर मानते हैं, ये समझते हैं कि झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर भी मानव है, कोविड और पैंडमिक के दौरान हमने देखा कि किस तरह से हमारी जो एसेंशियल वर्कर्स थे वो इन झुग्गी और झोपड़ियों से आते हैं और किस तरह से सारा हमारा कामकाज ठप हो गया था जब पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन हो रहे थे। लेकिन इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के भी अपने स्वप्न होते हैं, वो भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो संघर्ष कर रहे होते हैं। तो इन संघर्षों से निकल कर एक अपना एक अलग जीवन बनाना अपने आप में बहुत कठिन काम हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सुमित धवन ने एक साबित किया है कि अगर परिश्रम किया जाए, साहस किया जाए और उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो वो भी ये साबित कर सकते हैं कि जीवन में वो पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी सुमित धवन की के कहानी हम आपको सुना रहे हैं। करते सुमित, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पे अपनी कहानी शेयर कर पाऊंगा। सुमित, आप यहाँ पर फरवरी में से हैं और इससे पहले आप दिल्ली में रहते थे, एक झोपड़पट्टी या स्लम में रहते थे टिगरी में। जरा वहाँ के जीवन के बारे में आप बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरा जन्म टिगरी में ही हुआ था और मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरी बड़ी बहन और मैं ही हूँ। हमारी दादी भी थी जिनका भी जनवरी में देहांत हो गया था। हम सब टिगड़ी में रहते हैं और बिल्कुल वहाँ का जीवन जो सोचा जाता है कि अगर एक दिल्ली है जो इंडिया की राजधानी है वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ इस दिल्ली में ही कई ऐसी छोटी बस्तियाँ हैं, स्लम हैं, झोपड़पट्टियां हैं जहाँ पे लोग अभी भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं में से एक स्लम टिगड़ी में से मैं आता हूँ। पर्सनली मेरी लाइफ में वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी, अगर मैं कुछ को यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा घर बिल्कुल एक अवैध लीकर शॉप है उसके बगल में ही था, जिस वजह से आए दिन वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ होती थी, जो लाइक क्राइम वगैरह वायलेंस वगैरह बहुत होता था। तो ऐसे ही क्राइम और वायलेंस के बीच में मैंने अपना जीवन लाइक बचपन पूरा निकाला है वहाँ पर। इसी वजह से लाइक मेरे घर वालों ने कभी मुझे ये यूं भी अलाउ नहीं करा कि मैं बाहर जाके दोस्त बनाऊँ अपनी कम्युनिटी में, बाहर जाके गलियों में खेलूं, क्योंकि वो जानते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। और जब एक मतलब शराब की दुकान के बगल में आप रह रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो लोग दारू पीते हैं, जो नशा करते हैं, उन लोगों का ही वो लोग ही ज्यादा आते जाते रहेंगे, तो जिस वजह से सबसे लड़ाई भी कर लेते थे। तो उन्होंने कहीं मुझे इस सब चीज़ के लिए अलाउ नहीं करा, जो कि बिल्कुल एक सही चीज़ थी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं अपनी बस घर में रह के बस पढ़ाई करता रहता था, अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता रहता था। तिगड़ी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी कहूंगा मैं वो ये है कि वहाँ पे पानी बिल्कुल भी लाइक एक एडुकेट मैनर होता है उसमें नहीं आता। जो पानी की सप्लाई है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो गर्मियों में तो ये परेशानी और बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है, जिसकी वजह से रात रात भर तक तिगड़ी के लोग हम लोग ऐसे हाथ में बाल्टियां लेके घूमते रहते हैं और मोटर लगाने के लिए इधर से उधर भागते रहते हैं कि कहीं से हमें बस एक दो तीन बाल्टी पानी मिल जाए, ताकि अगले दिन का हमें जो घर का काम करना है और पापा को तैयार होकर ऑफिस जाना है, मुझे तैयार होकर स्कूल जाना है, ये सब हम कर सकें। जब मैं अपनी 12th क्लास में CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मैंने इस परेशानी का सामना किया। मैं पूरी रात जगता था और गलियों में हम पानी के लिए लाइक भटकते थे, ढूंढते थे पानी, और जब मिलता था फिर अपने घर के काम करके पापा काम पर जाते थे, मैं स्कूल जाता था। इसके अलावा जब भी बारिश आती है वहाँ पे तो वहाँ पे बहुत लाइक नाले हैं, छोटे बड़े हर तरीके के नाले हैं, तो मेरा घर भी एक कहीं ना कहीं नाले के ऊपर ही बना हुआ है। तो जब भी बारिश आती थी तो नाले का पानी बढ़ जाता था, वो सारा पानी सारी झुग्गियों में घरों में घुस जाता था, वो पानी निकालने में बहुत टाइम लग जाता था और उस वजह से बीमारियां ही बहुत फैलती थी, मलेरिया जैसी बीमारी, डेंगू वगैरह ये सब बहुत होता था वहाँ पे और अभी भी होता है। अभी भी जब भी बारिश आती है नाले का सारा पानी बाहर आ जाता है नाले में से और वो घरों में घुस जाता है। हमारा जो घर था उसमें जो छत थी वो चद्दर की छत थी, बारिश आती थी तो वो छत भी टपकती थी फिर, और जिस वजह से जो हमारी लाइक घर का सामान होता था
कॉपी किताबें मेरी होती थी वो भी भीग जाया करती थी। कई बार इस वजह से मुझे स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती थी अगले दिन, क्योंकि मेरा बैग भीगा पड़ा है, मेरी ड्रेस भीगी पड़ी है, मेरी बुक्स भीगी पड़ी है, उसको सूखने में टाइम लगेगा तो मैं स्कूल में कैसे जाऊंगा। अभी इस तरीके का जीवन था। तो रोज का जीवन इस तरह का आपका, इस तरह का जीवन था जैसे कि आपने बताया, इतनी सारी मुश्किलें थी रोज अगर देखा जाए। खास करके आपने ये बताया कि आप किसी और दोस्त और फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे, क्योंकि जिस तरह की आप वहां जहां रह रहे थे वहां संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो इसमें आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आपको पढ़ना है और अपना जीवन बदलना है? कुल ये इंस्पिरेशन मैं कहूंगा मुझे दो जगह से मिली। एक तो मेरा खुद का परिवार, मुझे मेरे मम्मी और पापा शुरू से चाहते थे कि मैं पढ़ के एक अच्छा इंसान बनूं। पापा मेरे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जब वो अपने टाइम पे वो कुछ 7वीं और 8वीं क्लास तक पढ़े हैं मेरे पापा जब वो गाँव में थे, लेकिन वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख पाए उनकी फैमिली रीजन की वजह से। मेरे दादा की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी तो मेरे पापा को काम करना पड़ा। मेरे पापा और मेरी मम्मी चाहते थे कि मैं पढ़ के एक अच्छा इंसान बनूं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने पढ़ लिया तो मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिससे कि हमारी सिचुएशन ठीक हो सकती है। एक तो मेरी मोटिवेशन ये रही कि मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट करा, मुझे मोटिवेट करा। दूसरा आशा, जिसने मुझे बताया कि पढ़ना तो जरूरी है लेकिन अच्छी पढ़ाई होती है, वो मुझे आशा की वजह से मिली। जब मैंने अपना 12th क्लास पास करी और मेरे अच्छे नंबर भी आए, आई गॉट 95% ओवरऑल, आई गॉट 100% इन इकोनॉमिक्स, फिर आशा ने मुझे बताया कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो अभी आपका आगे क्या प्लान है। तो मैंने तो ये सोचा था मुझे कॉलेज करना है, जो ये आशा ऑर्गेनाइजेशन है इनके लोगों ने मेरी मदद नहीं करी होती तो शायद मैं कॉलेज कर भी नहीं पाता, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस ही इतना जटिल होता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है, मैं समझ ही नहीं पाता। हमारा तिगड़ी वाला सेंटर है आशा का, वहाँ पे मुझे बुलाया गया, वहाँ पे मुझे चीज़ समझाई गई कॉलेज का एडमिशन कैसे होता है। उन्होंने खुद ही मेरा फॉर्म भी भरा जो शायद मैं तो नहीं भर पाता, मैं तो बस किसी से मदद मांगते रह जाता, अगर कोई कर देता मदद तब हो जाता, अदरवाइज तो फिर छूट ही जाता। इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आशा ने मेरी मदद करी, उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया। कॉलेज में एडमिशन के बाद फिर पता चला कि यहाँ तो फीस बहुत ज़्यादा है, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, वहाँ तो कोई फीस लगती है नहीं पढ़ने की, लेकिन कॉलेज में तो फीस है ही, तो फीस भी देनी पड़ेगी। तो उस फीस के लिए भी हम सोच, पापा से मैंने बात करी तो फिर बात ये हुई कि देखते हैं चलो कि अब आगे कॉलेज कैसे करना है, क्या कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो डिसीजन बाद में लेना पड़ेगा। पर आशा ने मेरी मदद करी, जो आशा का स्टाफ है सुनीता दी, लक्ष्मी दी, उन्होंने आके घर पे मेरे मम्मी पापा को समझाया कि आप फीस की चिंता मत करो, इसकी कॉलेज की फीस तो हम देंगे, अगर ये पढ़ना चाहता है इसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, हम इसको पूरा सपोर्ट करेंगे, इसी कॉलेज की फीस हम देंगे। आशा ने मेरे ग्रेजुएशन की 3 साल की कॉलेज की फीस दी, मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया, मुझे इस काबिल बनाया कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर पाया अपनी लाइफ में बाहर रहकर। तो आपने, आपका जीवन में एक तरह से परिवर्तन आया और कई कई हद तक आशा को आप बता रहे हैं। इससे पहले कि आगे आपकी बात सुने, आशा के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए कि आशा ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आशा एक एनजीओ है जो दिल्ली में 95 स्लम कम्युनिटीज हैं उनमें काम कर रहे हैं, 95 स्लम कम्युनिटीज दिल्ली की उनमें काम करती है, और ये 1988 में स्थापित हुई थी और इसकी स्थापना डॉक्टर किरण मार्टिन ने करी थी। डॉक्टर किरण मार्टिन मैम अभी इसकी मतलब फाउंडर भी है और डायरेक्टर भी हैं। आशा का जो काम है स्लम्स में वो मतलब 5 फील्ड में है, 5 क्षेत्रों में होता है, एजुकेशन में, हेल्थ में, वुमेन एम्पावरमेंट में, एनवायरनमेंट को लेके और चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके। इन 5 में से भी जो बिल्कुल मेन फोकस सब एजुकेशन और हेल्थ को लेकर रहता है। एजुकेशन जिसका एक और अंदर प्रोग्राम है, फॉरन एजुकेशन प्रोग्राम या इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम मैं कहूँ, जिसके अंडर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को स्कॉलरशिप मिली है, मैं सिडनी में पढ़ पा रहा हूँ। उसके अलावा कई और लाइक जैसे जब मैंने 12वीं पास करी तो मुझे कॉलेज एडमिशन में मदद करी गई, तो ऐसे जहाँ भी आशा काम कर रहा है 95 स्लम कम्युनिटीज में, वहाँ पे सभी बच्चों की मदद करी गई, जिन जिनके मार्क्स अच्छे आए और जो कैपेबल थे कि जिनका कॉलेज में एडमिशन हो पाता, उन लोगों को काउंसिल करा गया उनकी फैमिली। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चे के नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, बट फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बिकॉज फैमिली को पता ही नहीं है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। उनका ये लगता है कि अब बच्चे ने 12वीं कर ली है, बच्चा जॉब करेगा, घर में पैसे ला के देगा, वहाँ घर चलेगा। आशा का जो लाइक स्टाफ है, जो फील्ड वर्कर्स हैं, वो उनके घरों पर जाकर उनको समझाते हैं कि नहीं, आपको बच्चा अच्छा नंबर लाया है, आप इसको अभी इसको 10 या 15 हज़ार की जो नौकरी के लिए, आप इसका आगे जो बहुत अच्छा फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा अगर ये आगे नहीं पढ़ा तो, और जो कि एक बहुत बड़ा चेंज होता है। लाइक मैंने भी आशा में रह के एज अम्बेसडर और एज एन इंटर्न काम किया है,
अच्छा एम्बेसडर के रूप में मैंने भी तिगड़ी में कई ऐसे फैमिलीज के साथ काउंसलिंग करी है जो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते थे। कई अच्छा। ऐसी फैमिलीज होती है लाइक एंड हम जो कहते हैं कि नहीं अब हमें लड़की को नहीं पढ़ाना, लड़की को हम शादी करके भेज देंगे, तो हम उन्हें समझाते हैं कि शादी का क्या, अभी बच्ची बड़ी ही कितनी है, जो इसने अभी 12वीं पास करी है वो 16, 17, 18 साल के बच्चे होते हैं, इतनी जल्दी उनकी शादी करने की क्या है, उनको ही पढ़ने दिया जाए क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो वो आपको भी तो सपोर्ट करेंगे ना, जी हाँ। वो लड़का हो या लड़कियों को वो पढ़ के एक अच्छी नौकरी में लग जाएगा तो आपको भी सपोर्ट करेगा, तो आपकी जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। उसके अलावा आशा का जो दूसरा काम हेल्थ का है, उसमें जो लाइक जो प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह होती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको दवाइयाँ वगैरह चाहिए होती है, तो आशा में उनको वो सिर्फ फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा, तो आशा का काम जब मैंने एक दिन बैठ के सोचा तो मैंने ये फिगर आउट किया कि आशा में हर लेवल का काम होता है। अच्छा। जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसकी भी देखभाल करी जाती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे की भी देखभाल करी जाती है, जो हमारा बाल मंडल का प्रोग्राम होता है छोटे बच्चों को खिलाया जाता है और उनका मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें पूरा सहयोग दिया जाता है। उसके अलावा जब बच्चा बड़ा होके कॉलेज वगैरह में आता है या स्कूल वगैरह में होता है तो वहाँ पे भी उसे पढ़ाया जाता है, वहाँ भी उसकी मदद करी जाती है। लाइक थोड़े और बढ़ जाते तो महिला मंडल में महिलाओं को सशक्त किया जाता है, महिला सशक्तिकरण का काम होता है जो वुमेन एम्पावरमेंट का, वो भी किया जाता है। फिर वो और बड़े हो जाते हैं और बुजुर्ग बन जाते हैं तो जेरियाटिक केयर प्रोग्राम भी आश्रम में चल रहा है जिसमें जो कम्युनिटी के बड़े बुजुर्ग हैं जिनका कोई देखभाल नहीं कर रहा उनकी मदद करी जाती है। आश्रम में हर जनरेशन का काम होता है। तो ये सुना आपने सुमित जी के साथ इंटरव्यू का पहला भाग जिसमें वो अपने संघर्षों के बारे में बातचीत कर रहे थे और बातचीत की उन्होंने आशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहां आशा जैसे एनजीओ लोगों के जीवन में काफ़ी फर्क ला रहे हैं। आइए एक गीत सुनते हैं और सुमित के साथ बातचीत फिर जारी रखते हैं, दूसरा अंश सुनेंगे। सुनते हैं ये आशाएं ये गीत। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे
जी हाँ, ये गीत आपने सुना आशाएं। आइए सुनते हैं सुमित धवन के बातचीत का दूसरा अंश। सुमित जी जो कि हैं दिल्ली से और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में हैं। आपने बताया कि किस तरह के घर की हालात थे, पढ़ाई कैसे करते थे, और आप कह रहे हैं कि आप 95% आपका इसमें मार्क्स आए CBSE में, वो भी कोई आसान काम नहीं है। किस तरह से आप बैलेंस करते थे, जहां आप रात रात भर पानी की बाल्टी के लिए भटक रहे हैं और फिर दूसरी ओर पढ़ भी रहे हैं और इतना अच्छा भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप साइंस भी करना चाहते थे लेकिन बाद में आपने शायद चेंज भी किया। मेरा पढ़ने का ये था कि दिन भर तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, उसका रीजन यही था कि आसपास बहुत शोर रहता था, लोग बाग गाली गलौज करते रहते थे, घर के आसपास लड़ाइयां होती रहती थी, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकता इंसान पढ़ने बैठने के लिए, क्योंकि थोड़ी तो शांति चाहिए होती है। जब नॉर्मली शोर हो वो चलता है कि हाँ गली में हो या फिर एक रोड के पास घर है, गाड़ियां जा रही है, वो शोर तो हो सकता है, बट जब लोग बाग लड़ रहे हों, चिल्ला रहे हों, कोई दारू के लिए लड़ रहा है, कोई दारू पी के किसी से लड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो उस टाइम कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। तो मैं क्या करता था, मैं रात में पढ़ता था, और रात में भी जब हमारा जो घर था उसमें लाइक वो बड़ा तो था नहीं, हमारे पास दो ही कमरे थे जिसमें मम्मी पापा दादी और मेरे एक भाई थे, वो भी रहा करते थे बुआ के लड़के। मतलब मैं क्या करता था, रात में जब घर में सब सो जाते थे तब मैं एक फोन था और एक उसमें टॉर्च थी, कीपैड फोन में टॉर्च हुआ करती थी, उससे मैं पढ़ा करता था, और कभी कभी जो नॉर्मल टॉर्च होती है उसको जला के मैं रात में उससे पढ़ा करता था, क्योंकि अब रात में पढ़ूंगा तो फिर लाइट जलानी पड़ेगी, घर वालों को परेशानी होगी सोने में, दिन में ना पढ़ के घर का भी जो एनवायरनमेंट है वो दिन में पढ़ने लायक नहीं होता। घर में टीवी चलता था, मम्मी जिस कमरे में हम रह रहे हैं उसी मम्मी रसोई है, उसी मम्मी खाना बना रही है, उसी में घर में सब बैठे हैं, उस दिन में नहीं हो सकती थी पढ़ाई, मैं रात में करता था, मैं रात में थोड़ा सा लेट तक जग के अपना अच्छे से करता, प्रोडक्टिव भी लगता था मुझे, रात में ज्यादा शांति होती थी और रात में मेरा दिमाग भी थोड़ा अच्छे से काम करता था। वो अब मुझे नहीं पता क्यों मैं एक नाइट पर्सन हूँ जो रात में ज्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ, तो इस तरह से मैं बैलेंस करता था चीजों को। आपको मानना पड़ेगा जिस तरह से आपने पढ़ाई की है और इस तरह से आप आगे आए, ग्रेजुएशन में भी आपने इसी तरह इन्हीं हालातों में पढ़ाई की है मेरे ख्याल से, उसके बाद आपको ये अवसर मिला यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में की स्कॉलरशिप आशा के माध्यम से, जरा उसके बारे में बताइए किस तरह से हुआ संभव। जब मैं आशा ने मेरी कॉलेज एडमिशन में मदद करी थी, उसके बाद फिर मुझे बताया कि आशा में एक स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम है, जो बच्चे कॉलेज में एडमिटेड हो चुके हैं उनको उस एरिया का एम्बेसडर बनाया जाता है, और उनको फिर उस एरिया में काम करना होता है ताकि आशा से जो आगे और भी अपॉर्चुनिटीज है वो हमको मिलती रहे। तो मैं अपना स्टूडेंट एम्बेसडर बना, मैं बहुत जल्दी एक सीनियर एम्बेसडर बन गया, मैंने अपनी कम्युनिटी में काम किया, मैंने जो बच्चे होते थे उनको मैं पढ़ाता था, मैं कॉलेज से आता था सीधा आशा सेंटर जाता था, वहाँ पे बच्चे बैठे होते थे 11वीं और 12वीं क्लास के, मैं उन्हें पढ़ाया करता था। तो ये काम करते करते फिर एक दिन मुझे पता चला कि जो डॉक्टर किरण मैम हैं उनके घर पे एक मीटिंग है, जो हर एरिया का एम्बेसडर है, तो आशा के अलग अलग जो एरिया, हर एरिया से कुछ एम्बेसडर्स को चुना गया और उनको उस मीटिंग के लिए बुलाया गया। उस मीटिंग में फिर ऐसे ही बस ये पूछा गया था कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो वो मीटिंग आयशा मैम और अमिताभ सर जो हैं, जो प्रोग्राम मैनेजर हैं आशा के, उन्होंने ली थी पहले, तो उनके साथ मैंने शेयर करा कि हाँ भाई मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, मेरा ये कोर्स है, इस कॉलेज में हूँ, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं एंड मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं। तब उन्होंने देखा कि हाँ मेरे में पोटेंशियल है चीज़ों को करने का, और जो इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है मैं उसका एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता हूँ। उसी दिन पहली बार मैं डॉक्टर किरण मैम से मिला था उनके घर पे, फिर उन्होंने भी यही कहा कि मेरे को बाहर पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी अगर सब कुछ ठीक रहता, अगर मेरे फाइनल सेमेस्टर में भी अच्छे नंबर आते हैं। तो और ऐसा हुआ, मेरे अच्छे नंबर भी आए। फिर बाद में किरण मैम ने मुझे बताया कि सिडनी यूनिवर्सिटी में एक मतलब स्कॉलरशिप है ये, और वो बच्चे लेना चाहते हैं, उनके पास दो स्कॉलरशिप है, तो उसमें से एक स्कॉलरशिप मुझे मिली। फिर और मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा था, मैंने स्कूल भी हिंदी से करा था, कॉलेज भी हिंदी मीडियम से करा था, तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने बताया मैम को कि मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, और यहाँ आने से पहले मुझे आइल्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, वो करना पड़ेगा। मुझे एक इंग्लिश ट्यूटर दिया गया, उनका नाम था विक्टोरिया थम्पी, जो UK में रहती हैं, उन्होंने वहाँ से मुझे इंग्लिश पढ़ाई, जो एक प्रोफेशनल आइल्स टीचर हैं, उन्होंने वो मेरे को मतलब मेरे लिए वो काम उन्होंने फ्री में किया, जिनके लिए वो वहाँ पे UK में रह के, जो उनका एक अच्छा काम है, जो प्रोफेशनली करती है वो काम, उन्होंने मेरे को मदद करी, मुझे इंग्लिश पढ़ाई। मेरी हमारी ऑनलाइन क्लास होती थी जून पे, उसमें उन्होंने मेरे को इंग्लिश सिखाई, जिससे फिर मैंने अपना आइल्स का एग्जाम क्रैक किया,
बाद में मुझे फिर एक मेंटोर भी मिले, ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे जो टू इंडिया, मतलब अभी भी हैं, एलेक्स एलिस सर, उन्होंने मुझे मेंटोर किया। मैं उनके घर पे जाता था पर्सनली, उनसे मिलता था, वो मुझे बताते थे कि मैं चीजें और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और वहाँ पे जब मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊँगा तो वहाँ पे कैसे मुझे चीजों को करना है, कैसे कल्चरली उनके साथ मिलना है, खाने का तरीका क्या होता है, वो सब उन्होंने मुझे वहाँ समझाया अपने घर पे। इस तरीके से फिर मेरा एग्जाम क्रैक हुआ, हमने फॉर्म भरा, मैंने वीजा के लिए अप्लाई करा, एंड देन आई गॉट दिस स्कॉलरशिप। फिर फरवरी में आप यहाँ पर आए जब सेशन की शुरुआत हुई। अब पहली बार आप देश से बाहर निकले हैं मेरे ख्याल से, और ये नए देश में, नए एनवायरनमेंट में, नया एजुकेशन सिस्टम, कोई आसान काम नहीं रहा होगा। आप पहुंच गए हैं एक दिन और अगले दिन आपको पढ़ाई शुरू करनी है, तो कैसा रहा आपका वो एडजस्टमेंट का दौरान कैसे चैलेंजेस आए आपको? डर तो था ही, जब मैं इंडिया में था तब मैं डरता ही था, और जब मैं प्लेन में बैठ गया था ना इंडिया में, इंडिया लाइक दिल्ली टू बैंगलोर और बैंगलोर टू सिडनी मेरी फ्लाइट थी, जब मैं बैठा तब मुझे रियलाइज हुआ कि सुमित सुमित सच में तू छोड़ के जा रहा है अपना देश, अपनी फैमिली, अपने लाइक दोस्त, अपना सब कुछ यहाँ पे, और एक अलग देश में जा रहा है जहाँ पे शायद ही तुझे कोई जानता है, कैसे करूंगा। मैं बहुत डरा हुआ था, बट होपफुली मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे जो रहने के लिए सेंट पॉल्स कॉलेज मिला, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर एक रेजिडेंशियल कॉलेज है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब बहुत फ्रेंडली है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। यहाँ पे जो हमारे डीन है एंटोन, उनसे भी उन्होंने भी मेरी लाइक मैं पर्सनली मिले थे, मुझसे मीटिंग ली थी जिस दिन मैं आया था, उसके अगले दिन उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई कैसे यहाँ पे क्या होता है। और आशा का ही एक और स्कॉलर लाइक जिस स्कॉलरशिप पे मैं हूँ उसी स्कॉलरशिप पे वो भी हैं, तुषार जोशी, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे मेरी मदद करने के लिए, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी जब मैं यहाँ पे आया, उन्होंने मुझे सिखाया कि हाँ सिडनी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है, और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में मुझे क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, वो कैसे अलग रहेगा, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए पहले से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। जैसे कि यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जहाँ तक मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, वहाँ पे रेफरेंसिंग और साइटेशन का कुछ नहीं होता, हमें लिखने से पहले कुछ साइट और रेफरेंस नहीं देना होता, हमें बस लिख देना होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है, अगर ये नहीं किया जाए तो बहुत लाइक बहुत परेशानी हो सकती है। तो उन्होंने मुझे इन सब चीजों के लिए समझा दिया, इनके इसके लिए प्रिपेयर किया, तो ऐसा करके फिर धीरे धीरे करके और कुछ मैं खुद भी सीखता गया। जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में प्रोफेसर थे उनसे बात करी, जो साथ में स्टूडेंट्स थे उनसे बातचीत करी कि वो कैसे कर रहे हैं चीजों को, वो कैसे समझ रहे हैं, इस तरीके से फिर मैं कर पाया चीजें। तो ये सुमित जी के साथ बातचीत का दूसरा अंश था। आइए एक और गीत सुनते हैं और फिर बातचीत का आखिरी अंश सुनाते हैं। छीन ले चुरा ले खुशियों को आज तू मना ले, झूले ख्वाहिशों को जीने का आज तू मजा ले, पकड़ने की है मेहरबानी, जिंदगी से अब कर ले मनमानी, जरा खुल के तू जी ले यहाँ, खुला आसमान मैं चाहूं कुछ तुझे बताना, मेरे पास ही है खोया हुआ तेरा खजाना, तुझे देना है मौत
सारी कर ले मेरे संग अब तू यारी मिलके हम रोले हंस ले जरा खुला आसमां जी हाँ, इस खुले आसमां में उड़ना है और उड़ रहे हैं सुमित धवन और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद अपने FM 91.1 पर और साथ ही साथ रेडियो मनपसंद ऐप पर। आइए सुमित साहब के साथ बातचीत का आखिरी अंश सुनते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात की। तो आपने मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पर आपने मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्यों चुना है? मैंने 12th पास करी और मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स में तो मैंने अच्छा किया और मैं इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्टेड भी था, हालांकि मैंने ह्यूमैनिटीज करी थी, इकोनॉमिक्स उसका मेरा पार्ट था, मैंने मैथमेटिक्स वगैरह नहीं पढ़ी थी। फिर कॉलेज में आके ही मैंने बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस कोर्स लिया, क्योंकि मुझे क्या था इकोनॉमिक्स पढ़नी थी, बीए प्रोग्राम के अलावा मुझे और किसी सब्जेक्ट में वो मिलती ही नहीं। देन फिर मैंने वहाँ पर पढ़ी और मेरा फिर इन दोनों में इंटरेस्ट और बढ़ा, मुझे पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स में और बढ़ा, मुझे पॉल साइंस में इंटरेस्ट और बढ़ा जब मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी। तो देन मैंने डिसाइड करा कि मुझे जब मास्टर्स करनी है अपनी तो वो भी इसी फील्ड से रिलेटेड किसी एक फील्ड में करनी है जो इन दोनों को इन दोनों में जो मैंने पढ़ा है उसका मैं यूज़ कर सकूँ अपनी नेक्स्ट डिग्री में। देन मैंने रिसर्च करा और मैंने फिर कुछ कोर्स को डिसाइड करा, उसमें से मुझे ये पब्लिक पॉलिसी का ऐसा कोर्स मिला जो जिसमें इन दोनों का कॉन्टेंट है, इसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। मैं इसमें इंटरेस्टेड भी हूँ, मैं अपना करियर भी इसमें बनाना चाहूँगा। मैं ये कोर्स पढ़ने के बाद एज अ पॉलिसी एनालिस्ट किसी कॉर्पोरेट कंपनी या थिंक टैंक में काम करना चाहूँगा। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये कोर्स करना चाहिए, बिल्कुल ये वही है जो मैं चाहता हूँ, इसमें वो यूज कर पाऊंगा जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। और साथ ही साथ आप आशा के एम्बेसडर के काम भी कर रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए क्या काम कर रहे हैं एज एन आशा एम्बेसडर? ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मैं दिल से खुद चाहता हूँ कि हमेशा मैं अपनी कम्युनिटी को पे फॉरवर्ड करता रहूँ, क्योंकि आशा की वजह से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं उन लोगों की मदद करूँ अब जो वहीं पर हैं वो भी, ताकि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएं। जब इंडिया में थे तब तो हम रेगुलरली बच्चों की मीटिंग्स लेते थे, बच्चों को पढ़ा दिया करता था मैं, बट यहाँ पे आके जो पढ़ाने वाला कनेक्शन है वो कंटिन्यू नहीं रह सकता। सो मैं वीकली उनकी आशा वैल्यूज की मीटिंग लेता हूँ। आशा में कुछ वैल्यूज हैं जिन पर आशा काम करता है, ग्रेटिट्यूड है, जेनरोसिटी है, पे फॉरवर्ड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, अफर्मेशन है, नॉन वायलेंस है। ऐसे आशा के पास बहुत सारी वैल्यूज जिनको जो आशा चाहता है कि ये बच्चों की लाइफ में बच्चे लाइफ में इसे फॉलो करें, बच्चों की लाइफ में वो इनकल्टेट हो, है ना। इन वैल्यूज की मैं बच्चों की क्लास लेता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ कि आप कैसे इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको करने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। बच्चे मेरे साथ शेयर भी करते हैं कि भैया आज इस वैल्यू को लेके इस हफ्ते मैंने ये काम करा और करने के बाद मुझे ये फील हुआ, और करने से पहले उन्होंने क्या सोचा था, कैसा क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि मुझे किसी की मदद करनी चाहिए। जैसे जो स्लम एरिया होता है वहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं, जो अकेले रह रहे होते हैं, जिनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो बहुत अकेला फील करते हैं। बच्चों की क्लास में मैंने उन्हें समझाया कि आप उनके पास जा सकते हो, उनके साथ बैठ कर उनसे बातें कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि आपसे बात करके हमें अच्छा लगता है, ताकि उनका जो अकेलापन है वो दूर हो। वी नो कि जो बच्चे बैचलर्स कर रहे हैं वो बिजी हैं, कॉलेज में असाइनमेंट्स होते हैं, एग्जाम होते हैं, और उनकी कुछ पर्सनल जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं उसमें वो बिजी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम अपना थोड़े से जनरस बनो, थोड़ा सा अपना टाइम निकालो, जाके जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद करो, उनके साथ बैठो, बातचीत करो, ताकि उन्हें फील हो कि नहीं कोई तो है जो उनकी परवाह करता है, कोई तो है जो उनकी केयर करता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अकेले हैं। आशा है, आशा के एम्बेसडर्स हैं जो रेगुलरली मेरे पास आते हैं, आके मुझसे बातें करते हैं, और जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मैं उनको इसके लिए मोटिवेट करता हूँ कि जो आशा का जो स्टाफ है, जो फील्ड में स्टाफ काम करता है, वो कितनी मेहनत करता है, उनकी वजह से ये सब काम हो पा रहा है। जो फील्ड में काम कर रहे हैं वही मेन फैक्टर जिनकी वजह से इतना बड़ा एक प्रोग्राम सेट हो पाता है पूरा, कि बच्चे वहाँ से उठ के यहाँ आ पाएं। उनके प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड उनको दिखाना चाहिए। तो मैं उन्हें इनकरेज करता हूँ कि जाओ, उन्हें थैंक यू बोलो, उन्हें बताओ
कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ऐसे ही बस करते रहो ताकि जो जो कम्युनिटी है उसका लाइक अच्छा होता रहे, उसका विकास होता रहे। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सुमित, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जिस तरह की वैल्यूज आप वहाँ पर इनकल्केट कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। ये भी जानना चाहूंगा, आपने झुग्गी झोपड़ी का जीवन जिया है और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग मानव हैं, वो इन महानगरों का जीवन उन्हीं की वजह से चलता है, लेकिन फिर भी एक तरह का नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जो वेल टू डू पार्ट ऑफ द सोसाइटी है वो झुग्गी झोपड़ी वालों को बड़े अलग तरीके से देखते हैं। आप लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने आपने रहे हैं वहां पर, और वहां पर आपने लोगों को देखा, उनका क्या ख्याल है? नहीं, ये बात तो है कि जब आप स्लम में रह रहे हो दो तरह की परेशानियां होती हैं। एक तो इंटरनली खुद होती है कि हाँ भाई आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आपके जो फैमिली की इनकम वो अच्छी नहीं है, इसकी वजह से आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। दूसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर काम करते हैं कि जो बाहर जब सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ये हम एक अच्छी लाइक अच्छे सोसाइटी लेवल से नहीं आ रहे, हम एक अच्छे इकोनॉमिक लेवल से नहीं आ रहे, हमें लाइक जो लोअर मिडिल क्लास होता है उसकी नज़र से देखा जाता है, मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे जो बिल्कुल गरीब लोग होंगे उनके उससे देखा जाए कि हाँ तुम लोग तो वो हो। मैं मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे लोग स्लम में रह रहे हैं उनमें पोटेंशियल कम है, वो कम टैलेंटेड हैं। क्योंकि मैं रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आशा ने उनकी बहुत मदद करी है, जैसे मेरी मदद करी है। लोगों का रुख ये रहेगा कि हाँ कि आप स्लम से आ रहे हो, आप अच्छा नहीं कर रहे, आप अच्छा नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, आप एक झुग्गी झोपड़ी के बच्चे ही रहोगे, आप एक झुग्गी झोपड़ी का इंसान ही रहोगे, बट कहीं ना कहीं हमें तो मेहनत करते रहना है और उनको ये साबित करना है कि नहीं ऐसा नहीं है, जितनी काबिलियत आप में है उतनी ही हम में है। और ये काम आशा बहुत अच्छे से कर रहा है। एक लाइक स्लम में रहकर मैं तो कभी नहीं सोच सकता था कि मुझे इंडिया से बाहर जाने का मौका भी मिलेगा। न केवल आशा ही, आपने अपनी योग्यता से भी ये साबित कर दिया है कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप भी सभी लोग जहां भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो चाहे कहीं भी रह रहे हो वो आगे बढ़ सकते हैं और समाज का साथ दे सकते हैं। तो सुमित, आप एक एक बड़े एक इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, आपकी प्रेरणादायक स्टोरी कहानी है, इसके लिए आपने जो शेयर की हमारे साथ जर्नी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके फ्यूचर के लिए आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और आप इसी तरह से कार्य करते रहें। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए, उनका जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि सभी का ये एक अधिकार है, हक है कि वो अपने जीवन को कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ से जोड़ने के लिए जहाँ मैं अपनी स्टोरी शेयर कर पाया। ये था सुमित साहब के साथ बातचीत, और आशा है कि आपको उनकी ये इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद आई होगी। आइए अब थोड़ा सा विषय परिवर्तन करते हैं, चलिए एक गीत सुनते हैं और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। एक सखी इवेंट हो रहा है उसके बारे में, आइए गीत सुनते हैं सहेलियों के ऊपर, इससे पहले कि हम सखी इवेंट के बारे में बात करें। We'll be right back.
चल सहेली झूम के कोई गीत गाते हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर। अब जब सहेलियों की बात हो रही है तो अगले रविवार को एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है हमारे कैनबरा में, और वो कार्यक्रम है सखी इवेंट। और इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिनेक्ट से जुड़ी हैं डॉक्टर दीप्ति तलूलकर और साथ ही साथ में राधा राव जी। आप दोनों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया किशोर, थैंक यू। इससे पहले कि सखी इवेंट के बारे में बातचीत करें, आज हम थोड़ा सा तड़का मार रहे हैं गोलगप्पों पर, और आप जरा ये बताइए, गूगल ने अभी डूडल निकाला था पानी पूरी गोलगप्पे पर, आपका क्या ख्याल है गोलगप्पे? मुझे मालूम है दीप्ति तो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं, जरा बताइए कैसा आपका क्या पसंदीदा गोलगप्पे का फ्लेवर है? किशोर, ये तो बचपन का स्नैक है। इट इज अ स्नैक, रोड साइड स्टॉल्स पे मिलते हैं, बचपन से यादें जुड़ी है इसके साथ। घर पे भी बनाते हैं बहुत शौक से हम, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन डिशेस जो सर्व कर सकते हैं फैमिली को, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। नहीं, बहुत एंजॉय करते हैं, एंड एज यू नो इट्स अक्रॉस रीजन्स, नॉट जस्ट विद इन इंडिया बट इवन आउटसाइड इंडिया, पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह में भी काफी एंजॉय करते हैं लोग। जी हाँ, अब तो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में भी पानी पूरी खाने को मिलती है। बिल्कुल, थोड़ा वोडका भी डाल देते हैं कभी कभी। और राधा जी आप बताइए। हाँ, तो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में तो उसका खाना थोड़ा मुश्किल होता होगा, पता नहीं चम्मच से और फोर्क से कैसे खाया जाता होगा, लेकिन ये तो ऐसा स्नैक है जो स्ट्रीट फूड है और बिल्कुल मॉनसून सीजन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट स्नैक है, और कभी भी किसी भी टाइम पर खाने लायक है, जब भी मन करे एक गोलगप्पा खाएं। एंड बहुत अच्छा लगा कि गूगल ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई, सब लोग बड़े खुश थे इसको देख करके। That's right. शेयर हुए सब जगह इस बारे में। Yeah. तो आपको इंडिया के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं या यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में? इंडिया के गोलगप्पों का स्वाद ही अलग है, जो शायद उस जगह का जैसी जगह है वहां पर खड़े होकर के बाहर खाने में अलग ही आनंद आता है। पर यहाँ भी सब लोगों के साथ मिल करके जब भी कभी सब लोग मिलते हैं साथ में तो गोलगप्पे तो एक बहुत ही कॉमन थीम हो जाती है, किसी को पसंद है, और बहुत वैरायटीज हैं, अलग अलग तरह से खाया जा सकता है, और सबके घर का अपना अलग स्टैंडर्ड है। इट्स अ वेरी कॉमन, इट्स अ वेरी यूनाइटिंग स्नैक, सबको बहुत पसंद है। नो डाउट अबाउट दैट। अब यूनाइट करने की जब तक बात आई है तो आप भी दोनों एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सखी इवेंट, अगले हफ्ते, जरा उसके बारे में बताइए कि उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। किशोर, इसका शुरुआत हुआ था जब हमने इंटरनेशनल विमेंस डे रखा था, तब हाई कमीशन के साथ बात हुई थी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में, तब उन्होंने सजेस्ट किया था कि ऐसा एक गेट टुगेदर होना चाहिए विच कट्स अक्रॉस रीजन्स, रिलीजन्स, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, ऑल द थिंग्स दैट डिवाइड इंडिया, वी वांटेड टू हैव समथिंग दैट कट्स अक्रॉस ऑल दोस बैरियर्स। तो उस करके ये सखी इवेंट शुरू किया, और आपको राधा बताएगी उसका नाम कैसे पड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, तो इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है, बहुत पॉजिटिव स्टोरी है। हम लोगों ने जब पहली मीटिंग रखी उसमें करीब 10 लेडीज ने ज्वाइन किया, एंड दे वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, सो वी हैड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द साउथ, फ्रॉम द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, and there was like when we were brainstorming the names, or main thoda sa english mein bhi bol rahi hu because yep, I want everyone. No, that's okay, yeah. And we were brainstorming the names, and there were words that came across which the people from other areas did not understand, but sakhi was one word which was from somebody proposed it, and that was one word that Ev instantly understood as a friend. So ye jo shabd hai bada matlab
प्रिय शब्द है. एवरीवन अंडरस्टैंड इट्स अ वुमन फ्रेंड लेडी फ्रेंड दैट वी वांट एंड एवरीवन मस्ट हैव अ यू नो सखी इन देयर लाइफ. सो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट ऑल ऑफ अस अंडरस्टूड इट इन द सेम वे एंड इट वाज एन इंस्टेंट चॉइस फॉर एन इवेंट वेयर वी वांट टू ब्रिंग वुमेन इंडियन वुमेन टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट रीजंस एंड दिस वर्ड वाज लाइक वन कॉमन वर्ड एवरीवन एंजॉयड saying and using. So that was a very positive story that we wanted to share. Yeah, बहुत ही अच्छा नाम सुना आपने. ये तो आपने बताया कि it cuts across the all the regions and languages. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. तो ये इस इवेंट के बारे में बताइए कि क्या होगा इस इवेंट में. Obviously it's a women's event. Yeah, so we are inviting Indian women in the ACT to come and attend the event. हमको बहुत कम्युनिटी से सपोर्ट मिला है अक्रॉस ऑल द एसोसिएशंस दैट आर पार्ट ऑफ फिनेक्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. जैसे राधा ने बताया हमको हाई कमीशन से सपोर्ट है. हमारे चीफ गेस्ट इवेंट के लिए मिसेस नसेम बोरा है. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. काफी कैनबरा के जो नोटेबल विमेन है जिनको अवार्ड्स मिले हुए हैं जिन्होंने कम्युनिटी के लिए काम किया हुआ है उनको भी बुलाया है. एंड द मेन थीम ऑफ द इवेंट इज रियली टू टेक सम टाइम ऑफ एंड कनेक्ट विद अदर विमेन एंड मेक फ्रेंड्स. क्योंकि जब हम ये माइग्रेशन जर्नी लेते हैं ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो जो हमारे यूजुअल सपोर्ट्स होते हैं इंडिया में नेबर्स हैं एक्सटेंडेड फैमिली है फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा कट हो जाता है थोड़ा आइसोलेटिंग हो जाता है. तो दिस इज अटेम्प्ट टू ट्राई एंड रिक्रिएट दैट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एवरीवन. एंड लाइक राधा सेड हर एक के लाइफ में सखियां होनी चाहिए. तो इसके थ्रू वो सपोर्ट सिस्टम बनेगा एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन. हमने थीम भी बड़ा अच्छा रखा है जो राधा आपको बताएगी उसके बारे में. तो ये थीम इज द उसने लिखा है जैसे फ्लायर में हम लोगों ने सेलेक्ट किया ग्रीन कलर. And green is signifies Indian monsoon, and it is, as you know, it's monsoon season in India right now. And the festival of Tej is celebrated in the North India mainly, and it's again to you know all the friends will come together. सब लोग मिलके खेलते हैं. All you know will do mehendi together, and it's to get out and use the swings and have fun basically because you've gone through the harsh summer. So, बहुत सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ इंडिया में एंड ग्रीन कलर इज वेरी पॉपुलर एट दिस स्टेज. सो वी थॉट यू नो वी व्हाई डोंट वी यूज द कलर ग्रीन व्हिच सिग्निफाइज ग्रोथ एंड दैट इज एज वी से यू नो इट्स अ ग्रोथ ऑफ फ्रेंडशिप्स. वी वांट ऑल पीपल टू मीट ईच अदर रेगुलरली नेटवर्क. तो जैसे दीप्ति ने बोला कि अभी सब जब माइग्रेशन होता है लोग आते हैं दूसरे इंडिया से यहाँ पर दे डोंट नो एनीबॉडी. तो जब लोग मिलते हैं और अपने जैसे ही लोग मिलते हैं और तो उनको एक तरह का हेल्प मिल जाता है एक तरह का सपोर्ट मिल जाता है. सो दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रमोट एंड आई थिंक ग्रीन कलर वाज अ यूनानिमस चॉइस. एवरीवन वाज क्वाइट कंफर्टेबल एंड वी ऑल हैव समथिंग ग्रीन इन आवर रिपोजिटरी सो वी कैन ऑलवेज यू नो ड्रिंक समथिंग जस्ट हैव दिस फ्लेवर. And I think the other thing is we often tend to stay within a cultural group. I think ये थोड़ा cultural diversity भी promote करेगा. We want women to meet across those barriers. So we are going to have icebreakers. We are going to have different fun ways to get people to meet strangers. हाँ सही बात है क्योंकि जैसे ही community बड़ी होती जाती है तो normally we just stay within our own cultural Punjabi, Bengali, Tamil, Telugu group में. लेकिन जरूरी है कि सब एक साथ मिले across the borders regions. राधा और मुझे ही देख लीजिए वी मेट बिकॉज ऑफ सखी एंड वी बिकम रियली फास्ट फ्रेंड्स नाउ. या दैट्स राइट. और जनरली अपने महिलाएं तो अपने नेटवर्क बनाने में काफी माहिर होती हैं लेकिन वो प्राइवेट नेटवर्क्स जैसे होते हैं वो प्राइवेट नेटवर्क ही होते हैं. लेकिन ये जो है नेटवर्क जो है अपना ब्रॉडन कर सकता है और आपने अपनी एग्जाम्पल दी नथिंग लाइक दैट कि यू मीट फ्रेंड्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स कल्चर्स एंड देन it broadens your views and you know everything. Absolutely.
और हम प्रमोट भी करने वाले हैं, विमेन स्मॉल बिजनेस ओनर्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, अपना इंडियन कल्चर प्रमोट कर रहे हैं. दे आर गोइंग टू बी स्टॉल्स देयर सेलिंग इंडियन ज्वेलरी, इंडियन क्लोथ्स, इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट्स एक्सेट्रा. तो ये कहाँ पर हो रहा है और टाइम बताइए, और इज देयर एनी एंट्री फी और एनीथिंग? There is a $2 donation आने के लिए. यूथ कम्युनिटी हॉल में रखा है, 3 to 5 PM. हमें लगा औरतें कभी कभी लंच के लिए बिजी होती हैं, डिनर के लिए बिजी होती हैं अपने फैमिलीज के साथ, तो ये बीच का आफ्टरनून टी का टाइम चुना हुआ है. तो होपफुली लॉट्स ऑफ पीपल कैन कम एंड अटेंड एंड एंड हैव फन. Definitely, we can enjoy talking to each other and meet each other, and also have some yummy food, which has been organized. But also, I think another thing is this is the event is this will happen more than once. So we're expecting it to happen at least 3 times a year. And at the moment, we've had very good response from sponsors, from women entrepreneurs, and we want more people to come forward in future. So right. As we see, we start networking, women will also see the value of these friendships. But in future also, we would like to them to think of sponsoring this event. तो ये इवेंट जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सोच समझ के आप लोगों ने तैयार किया है, इसमें इसकी थीम भी अच्छी लग रही है, और मेरा ख्याल है कि लोग जो है वहाँ पर आएंगे और जो अपने विमेन जो है और अपना नेटवर्क ब्रॉडन करेंगी. आपने बताया कि खाने पीने का भी इंतज़ाम है, थोड़ा बहुत हो सकता है 2-4 गोलगप्पे भी हों वहाँ पर, मैं भी शायद कोशिश करूँ आने की. और ग्रीन ड्रेस की भी बात करी, तो अगर नहीं है ग्रीन ड्रेस तो ख़रीदने का बहाना भी है. किशोर, आप आके हमें सेटअप करने में हेल्प कर सकते हैं, पर ये इवेंट सिर्फ औरतों का है. चलिए दीप्ति, आपने हमारे लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी. एज लॉन्ग एज यू गिव अस अ कपल ऑफ गोलगप्पास फॉर हेल्पिंग यू इन सेटअप, आई एम हैप्पी टू डू दैट. थैंक यू वेरी मच दीप्ति एंड राधा आपके टाइम के लिए एंड शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन. और हमें विश्वास है कि कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा. थैंक यू. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ओके. थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स. थैंक्स. बाय. तो ये बात हो रही थी दीप्ति जी के साथ सखी के प्रोग्राम के बारे में और राधा जी के साथ, और ये कार्यक्रम हो रहा है अगले संडे 23 जुलाई को ह्यूज कम्युनिटी हॉल में दोपहर 2 to 5 PM तक. आइए एक गीत सुनते हैं और उसके बाद फिर हम बातचीत करते हैं एक खास विषय पर, स्पिरिचुअलिटी का विषय, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सूर्य प्रकाश जी. आइए पहले ये गीत सुनते हैं और उसके बाद हम बातचीत जारी रखते हैं. मैं जरा गीत ढूंढता हूँ. इस सखियों की बात कर रहे हैं तो सखियों का ही गीत सुनाते हैं हम आपको. सखियाँ सब करो रे बड़ाई करो सखिया 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 सख
जी खट्टा खट्टा सा ए जी तीखा तीखा सा हाँ खट्टा खट्टा सा ओ मस्ती के रंग हाँ मस्ती के रंग बरसाओ खुशियाँ महकाओ खुशियाँ बरसाओ खुशियाँ सतरंगी हो आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर और रेडियो मनपसंद ऐप पर जो आपके साथ होता है 24 घंटे और सातों दिन. आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. ये कार्यक्रम बाद में दोपहर को 3 से 5 बजे तक हमारे रेडियो मनपसंद ऐप पर भी ब्रॉडकास्ट होगा. अगर आपने नहीं सुना है तो फिर से सुनना चाहें या पूरा कार्यक्रम सुनना चाहें. जैसा कि मैंने कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि आज है रविवार और रविवार होते ही आपको एक बुखार चढ़ने लगता है कि कल काम पे जाना है. और बुखार क्यों चढ़ता है काम पे जाने का अधिकांश लोगों को कि काम में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो जिसकी तलाश हम लोग कर रहे होते हैं. किस तरह से वो ड्रीम जॉब मिले या कम से कम उस जॉब में जिसमें जा रहे हैं पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिले उसके कई कारण हो सकते हैं. एक हम सोच कनेक्शन जिसकी बारे में बात कर रहे हैं आज हम स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ को कई तरह से इन्हांस कई तरह से बढ़ोतरी ला सकती है. लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन डे टू डे लाइफ को इन्हांस करने में काम ला सकती है. इस रिसर्च का प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सूर्य प्रकाश जो इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं. सूर्य जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है. नमस्कार किशोर जी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार. सूर्य जी आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. जी मैं ऑस्ट्रेलिया 22 साल पहले आया था जी. यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था. क्वींसलैंड में आया था क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से. वहाँ से मैंने मास्टर्स ऑफ आईटी किया और करीब 6-7 साल तक मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा मैनेजमेंट. और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एडलेड से मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया और फिर मैंने 2018 में एमफिल किया है यूएनएसडब्ल्यू से, जिसका मोटा मोटी जो डायरेक्शन था वो स्पिरिचुअलिटी पर ही था. मैं कैनबरा में रहता हूँ. मेरा एक बेटा है 14 साल का जिसका नाम आदित्य है और वाइफ जो है वो सोनोग्राफर है जी. तो जी तो आप कैनबरा में कब से? जी मैं कैनबरा में 2006 से हूँ. तो, अच्छा 2006 से जी. और कैनबरा में आप आने से पहले आप अन्य अनेक शहरों में लगे रहे, कैसा लगा आपको कैनबरा? कैनबरा ज़्यादा अच्छा लगा. मैं 3 साल ब्रिस्बेन में रहा हूँ और 3 साल लगभग सिडनी में भी रहा हूँ. और मुझे कैनबरा जो है बाकी शहरों से अच्छा लगता है और ख़ास करके जो कम्यूट करने का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है बाकी शहरों से. तो मुझे कैनबरा में सेटल कर गया हूँ कैनबरा में फाइनली. और बहुत बहुत सुविधाएं हैं कैनबरा में जी. बच्चा को ड्रॉप करना पिकअप करना और फैमिलीज़ के लिए यंग फैमिलीज़ के लिए कैनबरा मेरे समझ से वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है ऑस्ट्रेलिया में. जी हाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं. कैनबरा जब शहर की बात करें तो कैनबरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ नॉट ओनली अपने ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक दुनिया में भी खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है. अब आपके बारे में तो जाना, आप रिसर्च कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के विषय के ऊपर. कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ इसमें? सो मेरा ये मानना है कि जो वर्क प्लेस है वहाँ जितने भी आदमी हैं ऑलमोस्ट ये रिसर्च के थ्रू पता चल चुका है कि 80% लोग जो हैं वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं और 80% लोग जो हैं वो स्ट्रेसफुल हैं अपने जॉब को लेकर.
और जॉब जो है सो एक लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. मतलब ये समझिए कि 8 घंटा हम लोग जॉब में स्पेंड करते हैं, 8 घंटा हम लोग अपना फैमिली लाइफ में स्पेंड करते हैं और 8 घंटा सोने में स्पेंड करते हैं. तो एक जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा जो है हमारे वर्क पे जाता है, और वो वर्क जो है वो 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कहती है, जो भी वर्क फोर्स में इंगेज है, कि आई एम नॉट हैप्पी विथ माई जॉब, और मैं अपने जॉब से डिससेटिस्फाइड हूँ, और मेरा जॉब जो है वो मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेस है. तो इसको अगर रिड्यूस कैसे किया जाए, मेन क्वेश्चन मेरा ये था कि हाउ वी कैन रिड्यूस दिस स्ट्रेस विच इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ सो मेनी डिजीजेज हैपनिंग, लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो है, साइकोसोमेटिक डिजीजेज जो है, उसका मेन सोर्स जो है, वन ऑफ द मेन सोर्सेज जो है, वो आपको स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है. तो मेरा ये टॉपिक में मेन मोटिवेशन स्पिरिचुअलिटी का इसी से आया था कि मे बी देयर इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड दैट कुड इन्फ्लुएंस एंड मेक आर लाइफ बेटर एंड आर वर्क प्लेस बेटर. तो यहाँ से मुझे मिला. और दूसरा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी जो है, जो रिलेटेड टॉपिक से नहीं है, मैं जब कैनबरा मूव किया था 2006 के आसपास, तो मैं काम करता था और मैं बस से कम्यूट करता था, और उस बस जो मैं पकड़ता था वो हाई स्कूल के बच्चों का बस रहता था, और उसी एक टाइमिंग था, सुबह 9 बजे मैं अपने काम पे जाता था, वो भी अपने स्कूल में जाते थे, और मैं उनके बिहेवियर को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व भी करता था. तो उनका बिहेवियर जो है वो बहुत राउडी बिहेवियर रहता था, और मैं कभी कदाल ये सोचता था आपस में कि ऐसा क्या है, ये बिहेवियर क्या है जो इनको इस तरह का प्रमोट करता है, कि इस राउडी नेचर का क्यों है, ऐसे इस एज में ऐसा होना नहीं चाहिए, मोर सभ्य होने चाहिए, थोड़ा सा पोलाइटनेस होना चाहिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी होना चाहिए, लेकिन ये सारे वैल्यूज़ इनके जीवन से डिसअपियर हो गए हैं. और इसको आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में लोग इसको कहते हैं ये कूल है, तो शायद वो भी एक रीज़न था मेरा मानने का कि शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ मिसिंग है, जो हम लोग अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हो अगर अभी हम लोग इसको सुधार नहीं करें और हम लोग इसको रियलाइज़ नहीं करें. तो दो कारण इसका था, एक तो वर्क प्लेस था, और दूसरा जनरल द चिल्ड्रेन बिहेवियर इन द सोसाइटी, और उनके अपब्रिंगिंग में और एजुकेशन सिस्टम से शायद मैं असंतुष्ट हूँ, इसलिए कि मैंने पढ़ा है, मैंने जीवन दिया है इस पढ़ाई के सिलसिले में, 3 मास्टर्स करके, MPhil करके, और फिर भी मैं करने के बाद मैं अपने आप को पाता हूँ कि मैं देर इज़ समथिंग मिसिंग, आई एम अनसेटिस्फाइड विद वॉट आई हैव स्टडीड. सो शायद वो भी एक कारण हो सकता है. तो आपने ये तो बहुत बात कही कि 80% लोग जो हैं जॉब से डिससेटिस्फाइड है, और आप उसकी वजह से इंस्पायर भी हुए कि क्यों, किस तरह से किया जाए. तो सवाल ये है कि क्यों डिससेटिस्फाइड हैं लोग अपने जॉब से? क्योंकि जॉब से है उनकी अंतर आत्मा जो है वो विचलित है, वो अभी स्थिरता नहीं आई है जी. और उसको वो स्थिरता तभी आ सकती है जब आदमी अपने ऊपर भरोसा रखे और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को वो प्रमोट करे. ये तो डिज़ायर्स का कोई लिमिट नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है, और उस डिज़ायर को कंट्रोल करने का जो है वो आत्मविश्वास है, अंतर आत्मा है, आत्मज्ञान है. जब तक कि आदमी को इसका अवेयरनेस नहीं होगा, आदमी हमेशा भटकता रहेगा. तो या तो ये इंसान का चॉइस है कि वो इस बात को रियलाइज़ करे और अपने वस्तु स्थिति को वो जाने कि मैं क्या हूँ, या उस जो मिराज है उसकी ओर वो भागता रहे. जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, उसका मेन कारण ये है कि वो हम लोग इस ऐसे चीज़ की चाह में हैं जो हमें खुद नहीं मालूम हमें क्या चाहिए, और वो इसलिए होता है क्योंकि हमें आत्मसंतोष नहीं है. और आत्मसंतोष कैसे आएगा? बाय सेल्फ अवेयरनेस. और ये जो टॉपिक है, जो 3 मेन टॉपिक है जो आदमी को समझना चाहिए किसी भी स्थिति से जूझने के लिए, एक तो है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सोशल अवेयरनेस, और तीसरा है सिचुएशनल अवेयरनेस. जब आदमी में ये 3 टाइप के अवेयरनेस आते हैं तो आदमी में संतोष होता है, कंटेनमेंट आता है, लेस डिज़ायर्स होता है, लेस वांट्स होता है. तो ये प्रमोट होना चाहिए, और ये आजकल के सोसाइटी में प्रमोट नहीं हो रहा है, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ना हमारे वर्क प्लेस में, ना हमारे अपब्रिंगिंग में इस वैल्यूज़ को प्रमोट किया जा रहा है. तो मेरा ये मानना है कि जब तक कि इंसान अंदर से इम्प्रूव नहीं करेगा, तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जितना भी इम्प्रूव कर जाए वो आपको कभी सुख नहीं दे सकते. मतलब ये है कि जो आपका आउटर वर्ल्ड है, जिसको आप देख रहे हैं, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड. और संस्कृत में लोग कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि.
तो जैसा आपका आउटलुक, जैसा आपका बिलीव सिस्टम रहेगा, जो आप समझते हैं वैसे ही आप दुनिया को देखेंगे. अगर आपके इनर वैल्यूज नेगेटिवली ओरिएंटेड है तो आपको सारी दुनिया जो है वो नेगेटिव ही नज़र आएगी. आपको आप लोगों पर मिसट्रस्ट करेंगे, उसको डिस्ट्रस्ट करेंगे, आप उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे. तो ये प्रॉब्लम है. तो मेरा ये कहना है कि जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपके पे पर या आपके प्रमोशंस पे या आपके पर्क्स पे, इस पर लेस डिपेंडेंट है. इट इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर इनर कोर बिलीफ सिस्टम. अगर आप आत्मा से अंदर से संतुष्ट हैं तो कैसा भी जॉब हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, यू विल मेक दैट इन्वायरमेंट कंड्यूसिव फॉर योर डेली लाइफ. लेकिन अगर आत्मा ही में इन द इनर बिलीफ सिस्टम आपका हैजी है, वो लैक करता है, तो नो मैटर वॉट यू आर गेटिंग इन द आउटर वर्ल्ड, आपको कभी संतुष्ट नहीं कर पाएगा. मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ. देखिए, दुनिया में लोग सोचते हैं कि मैं पैसा कमाऊँ, पैसा कमाऊँ, और जब दुनिया में पैसा आ जाता है तो आप ये देखिएगा कि लोग वो कंटेंट नहीं है, वो डिससेटिस्फाइड है. क्यों है ऐसा? आखिर ऐसी क्या बात है कि हम लोग कहते हैं कि दुनिया का सारा पैसा मुझे कमाना है, और हम लोग अपने हेल्थ को एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो वेल्थ के लिए, और जब हमारा समय आता है तो जितना हम लोगों ने वेल्थ कमाया है वो हेल्थ को रीस्टोर करने में स्पेंड कर देते हैं. तो आप इसको देखिए, मेरा एग्जाम्पल जो दिमाग में आ रहा है वो बिल गेट्स का आ रहा है, मेलिंडा गेट्स का आ रहा है, इंडिया के जो टाटा हैं उनका एग्जाम्पल आ रहा है. मैं दुनिया का, उनको वेल्थ है, उन्होंने बहुत वेल्थ कमाया है, लेकिन एट द एंड फिर भी वो डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द होल सिचुएशन. और वो कहां गए? तो वो चैरिटी करने गए. व्हाट इज दैट मींस? मेरा क्वेश्चन यही है, मेरे रिसर्च में यही है कि ऐसी क्या चीज है जो आदमी को डिससेटिस्फाइड रखती है और उसको फिर भी वो संतोष नहीं होता है. दुनिया का सारा सुख मिल जाए जी, फिर भी वो असंतुष्ट है जी. आपने ये बहुत अच्छा विषय चुना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. और जब आप ये कहते हैं कि इतना सारा डिससेटिस्फेक्शन है, और आपके विचार से मैं कहना नहीं चाहता कि शायद वैल्यूज़ गलत हैं हमारी, ऐसा मानते हैं आप? क्या वजह है कि इतने हम लोग डिससेटिस्फाइड हैं, किस वजह से? अब आपने एग्जांपल सी टाटा की और बिल गेट्स वगैरह की, क्या हम लोगों ने एक गलत वैल्यू बनाई हुई कि पैसा कमाने से हमें खुशी मिलेगी और जब के पैसा मिलता है तो खुशी होती नहीं है? जी हाँ, मेरा ये बात सही है. मेरा ये मानना है कि शायद वैल्यूज़ जो है हमारे थोड़े से मिसगाइडेड हो गए. मार्टिन लूथर का एक कोट है, उन्होंने कहा था कि आ साइंटिफिक पावर हैज़ आउटरन आ स्पिरिचुअल पावर. वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन. ये सिस्टम है कि हम लोग की जो यूथ सिस्टम है, जो हम लोग का सिस्टम है, वी आर मिसगाइडेड बिकॉज वी आर हैविली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी. मेरा कहना है कि देर हैज़ टू बी द राइट बैलेंस. मेरा ये नहीं कहना है कि आदमी को सब कुछ छोड़ के दे शुड बी टोटली स्पिरिचुअल, और वो सब कुछ छोड़ दें, दुनिया से संन्यास ले लें और स्पिरिचुअलिटी की ओर चलें. नहीं, मेरा कहना है कि दे शुड बी द राइट बैलेंस. वी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्पिरिचुअल वैल्यूज़ फॉर द मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस. हाँ, मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस भी चाहिए, लेकिन इट शुड बी इन द राइट बैलेंस. देखिए, एक सवाल ये भी है, देखिए बहुत गंभीर विषय है, बहुत सारी गंभीर बातें हैं इसमें. एक सवाल ये भी है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं. मतलब इस सवाल का अगर आप जवाब दें कि क्यों आए हैं, तो इसको इंडियन फिलॉसफी में, मैं इंडियन हिंदुज़म नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा इसमें भी डिसएग्रीमेंट है, मैं इंडियन फिलॉसफी में लोग कहते हैं कि इस दुनिया में हम लोग आए हैं वो चार चीज़ के लिए. एक है अर्थ, दूसरा है काम, दूसरा है मोक्ष, और धर्म के लिए. मतलब यही, इसी कारण से वाई आर वी हियर, बहुत सारे फिलोसफर्स ने ये क्वेश्चन पूछा है. तो इंडियन सिस्टम ने इसको आंसर करने का कोशिश किया है कि अल्टीमेटली यू आर हियर फॉर लिबरलाइजेशन. आपको लिबरल यहाँ से होना चाहिए, आपको मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, सालवेशन शुड बी देयर इन योर लाइफ. तो शायद यही कारण है कि हम लोग हैं यहाँ पर. क्या इज दिस द रीज़न वाई वी आर हियर? तो एक सवाल ये भी है. तो मेरा कहना है कि आदमी को ये सारे वैल्यूज जीवन में होने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस इन लाइफ. और शायद आप जो बात आपने मुझसे पूछा है, मैं हो सकता है कि ये वैल्यू सिस्टम जो है दैट इज़ लैकिंग इन आर एजुकेशन सिस्टम, और हम लोग बच्चों को ये दे नहीं पाते हैं, और फैमिलीज वैल्यूज़ भी पास ऑन नहीं कर पाते. शायद ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ शुड बी
incorporated in our daily life, in our studies. और spiritual life का मतलब है कि देखिए, मैं बहुत साधारण example आपको दूंगा. Spiritual life का, spiritual values का मतलब है कि बहुत सरल बात है कि do the right thing. समझ गए, कहाँ कहीं पर हैं, जीवन के किसी भी चौराहे पर खड़े हैं और आप इस असमंजस में कि मुझे क्या करना चाहिए, तो शायद ये सवाल आपको खुद पूछना चाहिए कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू, इज़ दिस द राइट थिंग टू डू. अगर इसका जवाब आपको मिलता है कि हाँ, आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो आप उसको कीजिए. बट मेरा सवाल ये है कि ये कौन है जो आपको गाइड करता है कि दिस इज़ द राइट वे दैट यू शुड टेक. दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जो आपको सही रास्ता दिखाता है, जो आपके कॉन्शियस को डायरेक्शन दे रहा है. दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, और कुछ नहीं है स्पिरिचुअलिटी का. जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, दैट इज़ द स्पिरिचुअलिटी, और यही स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है. जब हम लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग जो है वो एबिलिटी हम लोग से चली जाती है. हम लोग नहीं सोच पाते कि वॉट इज़ राइट, वॉट इज़ रॉन्ग, एंड वॉट एवर आई एम डूइंग, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस. समझ गए. सो यही अभी कांति जी ने भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि वॉट इज़ स्पिरिचुअलिटी, और आपने सवाल उत्तर दिया है, और मैं भी ये प्रश्न पूछने वाला था कि वॉट इज़ स्पिरिचुअलिटी. आपने इसका उत्तर दिया है कि वॉट एवर इज़ द राइट थिंग, जो कॉन्शियस बताती है. तो क्या ये जो रिलेटिव है, मेरे लिए जो राइट थिंग है हो सकता है आपके लिए राइट थिंग नहीं हो, तो इस कोई कॉमनलिटी है स्पिरिचुअलिटी में जब हम बात करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल कांति जी ने पूछा है, और आपने भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है. स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी का जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इसका आज तक किसी ने भी वो डेफिनेशन नहीं दिया है जो माना जाए, जो मान्य हो. जो एकेडमिक डिस्कशंस में जिसको कहा जाए कि दिस इज़ द ओनली डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे डेफिनेशन हैं, और इसका कारण ये है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. लेकिन मैंने एक डेफिनेशन दिया है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पिछले 10 साल में, और मैंने अपने थीसिस में लिखा भी है. मेरा मानना है कि व्हेन योर फोकस चेंजेस फ्रॉम मी टू वी, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी. जिस दिन आपका फोकस जो है कि मी से चेंज होकर वी पर आ जाए, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी. दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. और दुनिया में किसी ने नाम नहीं कमाया जिसने केवल सोचा कि मेरा ऐसा हो, मैं ऐसा करूं, मेरे लिए ऐसा हो जाए. वही आदमी का दुनिया में नाम हुआ है, वही आदमी जो है किसी तरह का लेगेसी छोड़ के गया है, जिसका आउटलुक जो है वो वी की ओर चेंज हुआ. वी का अर्थ है जो अपने से ऊपर हट के दूसरे के बारे में सोचे. दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी. और यही डेफिनेशन जो है वो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी जो है, जो इज़ द स्टडी ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो साइकोलॉजी में है, उसको कहा जाता है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी. और ट्रांसपर्सनल, अगर इस डेफिनेशन को आप देखें, तो पर्सनल मतलब हुआ आप, और ट्रांस का मतलब हुआ बियॉन्ड यू. सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी. एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड यू इज स्पिरिचुअलिटी. व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द गुड ऑफ द ग्रेटर मास, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. अब देखिए, लोग कहते हैं सेव द प्लैनेट, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. लोग कहते हैं सेव एनिमल्स, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट इज बियॉन्ड यू. और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इतना पैसा हो जाना चाहिए, मैं अमीर हो जाऊं, तो वो जो है दैट इज मोर अ ग्रीड, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज मोर एन मेटेरियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट. लेकिन दूसरी बात और सुनिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पैसा कमाऊं और पैसा कमा के मैं उसको जन कल्याण में समर्पित कर दूं, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी. अभी जो मैंने सुना था रेडियो पर, अभी एक आशा फाउंडेशन से एक आदमी हैं, वहाँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में पढ़ाई कर रहे हैं. अब ये जो है दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, जो किसी ने उनको यहाँ प्रमोट किया, एंड थिंकिंग अबाउट द पर्सन बियॉन्ड पर्सनल सेल्फिशनेस, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी. ये मेरा कहना है कि दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी. और यहाँ पर एक और आम धारणा ये है कि लोग समझते हैं कि रिलीजन इज स्पिरिचुअलिटी. तो शायद अगर किशोर जी इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं इस पर बात करूं. थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि क्या फर्क है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन. लोग कंफ्यूज कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन के साथ, और फिर प्रॉब्लम्स, समस्याएं उठना शुरू हो जाती हैं. मेरा रिलीजन ये कहता है, तुम्हारा रिलीजन ये कहता है, बट नॉट नेसेसरली दैट इज स्पिरिचुअलिटी. जी हाँ, बिल्कुल बात सही. स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में अंतर है. रिलीजन जो है, या ये सब मेरी बहुत अपनी व्यक्तिगत राय है जो मैंने पढ़ा है, रिलीजन जो है वो लोगों को बांटता है,
और स्पिरिचुअलिटी जो है वो लोगों को जोड़ता है, ये सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है। रिलीजन हमेशा बात करेगा ये मेरा है ये तुम्हारा है, रिलीजन में हमेशा वो डॉगमेटिक रहता है, वहाँ लिस्ट है डूज एंड डोंट्स का, और रिलीजन कभी सर्वाइव नहीं कर सकता है विदाउट ए गॉड। ए गॉड फिगर होना चाहिए, देयर शुड बी एन एंटिटी विच इज कॉल्ड एज गॉड इन डिफरेंट नेम्स फॉर अ रिलीजन टू सर्वाइव, बट वेयर एज इन स्पिरिचुअलिटी यू डोंट नीड एन एंटिटी कॉल्ड गॉड फॉर द स्पिरिचुअलिटी टू सर्वाइव। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं विदाउट बिलीविंग इन द गॉड, बट यू कैनॉट बी रिलीजियस विदाउट बिलीविंग इन द गॉड। सो ये आपका एक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी जो है आपको प्रमोट करता है फॉर द ग्रेटर गुड, रिलीजन आपको प्रमोट करता है फॉर योर ओन कम्युनिटी, आप उसके बारे में देखभाल करते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन रिलीजन इज नॉट एन आइडेंटिटी विच इज विच यू आर बॉर्न विथ, you acquire it after you are born in the kind of family that you have been born. Lekin spirituality jo hai wo shashwat sach hai, matlab this is eternal, this is the eternal truth that you have been born with. Matlab main aapko ek aur udharan deta hu isme example, aap kahin ja rahe hain city mein aur ek aadmi homeless hai wahan baitha hua hai aur usne ek din se khana nahi khaya, aap jate hain kahin pe, आप उसके लिए $10 स्पेंड करते हैं, खाना लेकर आते हैं, आप उसको खाना देते हैं, तो जब आपने अपना $10 खर्च करके उस आदमी को खाना दिया विदाउट आस्किंग व्हाट रिलीजन ही बिलोंग्स, व्हाट कम्युनिटी ही बिलोंग्स, व्हाट एथनिसिटी ही बिलोंग्स, कुछ आपने पता नहीं किया, लेकिन आपने उसको $10 अपना पैसा खर्च करके आपने उसको खाना खिलाया, तो आपको ये फीलिंग क्या आई? ये फीलिंग जो आपने जनरेट किया वो पॉजिटिव फीलिंग था या नेगेटिव फीलिंग था? मतलब इस सवाल का आप जवाब देखिए। तो आपको जो फीलिंग होगा, आपका अपना $10 आपने खर्च किया, बट द फीलिंग दैट हैज़ बीन जनरेटेड इज बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, बिकॉज इट गिव्स यू अ फीलिंग दैट यू हैव डन समथिंग गुड। व्हाट इज़ दैट फीलिंग दैट इज़ गिविंग यू दिस फीलिंग दैट यू हैव डन समथिंग गुड? वो आपको ऐसा क्या है जो आपको खुश रखता है आपको खर्च करने के बाद भी द फील? तो इसको आप अगर डिफाइन करेंगे, व्हेन यू डू गुड यू लुक गुड and you feel good, ये है spirituality। I hope ये मैंने आपको clear किया, समझ में आया। और अब आप research project पर वापस आते हैं कि उसका उसमें आप एक पहले तो survey भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि किस तरह से research आपकी ये establish करने की कोशिश कर रही है कि spirituality can lead to the job satisfaction। जी, तो मेरा जो मेन टॉपिक यहाँ पर है, ये इसका फंडामेंटल क्वेश्चंस है जहाँ से ये स्टार्ट होता है। मेरा फंडामेंटल क्वेश्चंस ये है कि वाई आर वी हियर, एक तो ये क्वेश्चन है, फिर दूसरा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। ये पर्पस ऑफ द लाइफ है क्या? ये 9 to 5 करना, बूढ़े हो जाना, फिर मर जाना, इज़ दिस द पर्पस ऑफ लाइफ? तीसरा है कि वाई वी डू व्हाट वी डू, मतलब हम लोग ये क्यों करते हैं जो भी करते हैं, और चौथा है कि हम लोग ऐसे क्यों हैं, वाई आर वी द वे वी आर, मतलब जैस जो हम लोग का स्वभाव है, या बहुत रूखा स्वभाव है, या शॉर्ट टेम्पर्ड है, या हम लोग बहुत माइल्ड हैं, बहुत पोलाइट हैं, ये ऐसा क्यों है? तो इन सबों का इसके, और मेरा जो मानना है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इन सबों के बीच में कॉमन जो है दैट इज़ बिलीव सिस्टम। तो मेरा ये रिसर्च है कि इफ़ यू चेंज द बिलीव सिस्टम यू चेंज द बिहेवियर। अगर आपका बिलीव इज पॉजिटिव देन योर बिहेवियर विल बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग सराउंडिंग यू विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पर बहुत लोगों का कहना भी है कि दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वहाँ उस टॉपिक में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा मेन फोकस यहाँ पर है, ये चार क्वेश्चन पे है। तो अगर आप इस पर ध्यान देखें कि अगर मैं ये कहूँ कि वाई वी डू वॉट वी डू, उसके पीछे कारण क्या है, तो बिलीव सिस्टम है। और ये बिलीव क्या है? तो बिलीव जो है ये एक इंसान का कोर वैल्यू सिस्टम है, जिसे हम लोग कभी कहते हैं आत्मा, और साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव में इसको लोग कहते हैं आई। साइकोलॉजी कहती है कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आई एंड मी। सो ये जो आई है दैट इज़ योर इनर बिलीव सिस्टम विच इज़ गाइडिंग यू एंड विच इज़ प्रमोटिंग यू टू डू टेक एक्शंस एंड रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द सिचुएशन। तो मेरा कहना ये है कि अगर शायद बिलीव को अगर चेंज किया जाए विल चेंज द बिहेवियर, एंड इफ द बिहेवियर चेंजेस लाइफ इन जनरल विल चेंज। और ये दो टॉपिक यहाँ से निकलती है, एक तो मैं जॉब सेटिस्फैक्शन पे मैं थोड़ा देर में आता हूँ, लेकिन ये बिलीव सिस्टम पे मैं बात करता हूँ। बिलीव सिस्टम जो है वो इंसान को
जैसे ये एटीट्यूड्स जो है, वैल्यूज जो है, दैट इज़ योर बिलीफ सिस्टम. और ये जो है, व्हेन दीज थ्री थिंग्स दे कंबाइन, दे गिव यू बिहेवियर. और बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज एन एक्शन, एंड बेस्ड ऑन योर एक्शन यू गेट रिएक्शन, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस. सो इस पूरे इक्वेशन में जो है, दैट इज थॉट, देन यू हैव इमोशंस, देन यू हैव एक्शंस, देन यू हैव रिएक्शंस और रिजल्ट्स. लेकिन थॉट और इमोशन के पीछे हु इज सिटिंग? द पर्सन हु इज सिटिंग बिहाइंड दिस थॉट एंड इमोशन इज यू एज आई, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा. दैट इज द सेल्फ, एंड दैट सेल्फ इज मेड ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड. और ये बिलीव आता कहाँ से है? बिलीव, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बिलीव विच इज थ्रू एक्सपीरियंस और थ्रू एजुकेशन सिस्टम एंड थ्रू योर अपब्रिंगिंग. देर इज अ कोटेशन विच सेज दैट द एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज. बात सही है. जब तक आपने किसी चीज़ को जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने उस चीज़ को फुली अंडरस्टैंड नहीं किया. तो रिसर्च मेरा यही है कि कैन, इज इट पॉसिबल टू चेंज द बिलीव, एंड इफ चेंजिंग द बिलीव यू कैन चेंज द बिहेवियर. और दो टॉपिक मैंने जो चूज़ किया है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, और दूसरा है कोर सेल्फ इवैल्यूएशन. कोर सेल्फ इवैल्यूएशन जो है वो पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ है. कोर सेल्फ इवैल्यूएशन में चार मेन टॉपिक हैं जो पर्सनैलिटी रिलेटेड हैं. एक है जिसको सेल्फ स्टीम कहते हैं, दूसरा कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, तीसरा है लोकस कंट्रोल, और चौथा है इमोशनल स्टेबिलिटी. इन चारों चीज़ को मिला के हम लोग कहते हैं सेल्फ बिलीफ. और एक है स्पिरिचुअलिटी. तो इंसान जो है, अगर उसको ब्रेक डाउन करें, तो वो दो मोटा मोटी कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. एक को कहते हैं फिजिकल फॉर्म, दूसरे को कहते हैं नॉन फिजिकल फॉर्म. फिजिकल फॉर्म है जो हम लोग देख पा रहे हैं, नॉन फिजिकल है जिसे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं. और ये जो है, तो ये मेरा जो स्टडी है, दैट इज टारगेटिंग द नॉन फिजिकल फॉर्म विच इज़ अ स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड द साइकोलॉजिकल डायमेंशन. तो मेरा कहना है कि 70% जो मेरा स्टडी है, उसमें मैंने ये माना है कि दिस टू टॉपिक्स, इफ इट इज़ प्रमोटेड इन द एजुकेशन सिस्टम, इन आर वर्क प्लेस, दैट कैन चेंज द इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम बाय 70%, एंड इट कैन इन्फ्लुएंस द बिलीफ सिस्टम पॉजिटिवली, सो दैट पॉजिटिव बिहेवियर इज रिफ्लेक्टेड इन देयर डेली लाइफ. तो यही मेरा रिसर्च है. मेरा हाइपोथेसिस जो है, कैन चेंजिंग बिलीफ चेंज इज बिहेवियर, एंड कैन स्पिरिचुअलिटी एंड कोर सेल्फ इवैल्यूएशन विच इज नोन एज सेल्फ बिलीफ चेंज पर्सन्स सेल्फ, द सेल्फ बिलीफ सिस्टम इन टोटैलिटी, सो दैट अ प्रॉपर बिहेवियर इज रिफ्लेक्टेड. और जॉब सेटिस्फैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? जॉब सेटिस्फैक्शन जो है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में दिस इज द मोस्ट रिसर्च्ड एटीट्यूडनल टॉपिक. क्यों? क्योंकि जॉब सेटिस्फैक्शन जो है, एक बहुत सारे वर्क रिलेटेड बिहेवियर से अटैच्ड है. लोगों का कहना है और रिसर्च है जो लोगों ने प्रूव किया है कि इफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड बाय जॉब, दैट पर्सन इज मोर हैप्पियर देन द पर्सन हु इज लेस सेटिस्फाइड बाय द जॉब. और जो हैप्पी इम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर प्रोडक्टिव इम्प्लॉयज़, दे आर मोर परफॉर्मेंट इम्प्लॉयज़, और ऐसे लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस जो है बेटर होता है, हेल्थ सिस्टम बेटर होता है, पर्सनल रिलेशनशिप बेटर होता है, एंड दे गो थ्रू लेस डिवोर्स इन देयर लाइफ, एंड दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद देयर चिल्ड्रन. अब ये देखिए कैसे ये जॉब सेटिस्फैक्शन, एक सिंपल टॉपिक जो है, कितने सारे एरियाज़ को और कितने सारे आस्पेक्ट्स को वो चेंज करता है. तो एक तो है आपके पर्सनल वैल्यू सिस्टम को, दूसरा है सोशल वैल्यूज़ को, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ को, और चौथा है आपको नेशनल वैल्यूज़ को. क्योंकि जॉब सेटिस्फाइड एम्प्लॉय इज अ हैप्पी एम्प्लॉय, हैज़ अ बेटर रिलेशनशिप, हैज़ अ रिड्यूस्ड साइकोसोमेटिक डिजीजेज, हैज़ गॉट रिड्यूस्ड कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज, सो ही इज़ लेस बर्डन टू द हेल्थ सिस्टम. देख रहे हैं, ये मेन है जॉब सेटिस्फैक्शन का. जी, आपका रिसर्च टॉपिक बहुत अच्छा है. समय तो कम करीब करीब ख़त्म ही हो गया है, लेकिन आपने जो बात बताई वो बहुत ही अच्छी बातें बताई. आप एक सर्वे कर रहे हैं, जरा क्विकली इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हाँ जी, मेरा सर्वे है, और जो कि आप रेडियो के फेसबुक पर है, वेबसाइट पर है, उस पर प्लीज़ काइंडली उस पर पार्टिसिपेट कीजिए. उसमें 63 क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरा का पूरा सर्वे जो है बिल्कुल एनोनिमस है, कोई भी आदमी इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है. वहाँ ये जो है लगभग 10 मिनट्स लगेगा उसको करने में. मुझे 500 पार्टिसिपेंट्स चाहिए इसके लिए, तो अगर मैं अभी 100 पार्टिसिपेंट्स लेस हूँ, तो काइंडली जितने भी श्रोता हैं अगर उसको सुन रहे हैं, तो उसको जाके पार्टिसिपेट करें और सारे क्वेश्चन
क्वेश्चंस को आंसर करें। ये 10 मिनट लगेगा, 63 क्वेश्चंस है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये मुझे हेल्प करेगा असेस करने में जितनी बातें मैंने अभी रेडियो पर बताई है कि क्या इसमें कुछ ट्रुथ है या नहीं है, कि ये ऐसे ही बिना बात का इमेजिनेशन है। और ये हेल्प इसलिए भी करेगा कि इट हैज़ गॉट अ लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव, कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल होता हूँ तो शायद मैं स्पिरिचुअलिटी को मेन स्ट्रीम एकेडमिक डिस्कशंस में एस्टैब्लिश कर पाऊँ, और कोई कभी आने वाले 10-15-20 साल में हो सकता है ये स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ के कैरिकुलम में इनकॉर्पोरेट किया जाए इसके वैल्यू सिस्टम को अंडरस्टैंड करके। तो काइंडली इस पर पार्टिसिपेट करें, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ रेडियो का और किशोर जी का कि मुझे इन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी दिया। सूर्य जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतने अच्छे टॉपिक पर हमारे साथ बात करी, और आपके रिसर्च के लिए हम हमारी बेस्ट विशेज, और हम पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे लिसनर्स अगर पार्टिसिपेट कर सकें हम उनसे अनुरोध करेंगे करें, और इसको पूरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। जस्ट चलते चलते कांति जी का एक और कमेंट आया है, इज़ दिस वाई 40% ऑफ ऑस्ट्रेलियंस इन द लास्ट सेंसस सेड दे डोंट हैव अ रिलीजन। यस, हमें मालूम है कि यहाँ पर रिलीजन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जो हैं हमें यह भी मालूम है कि सबसे बड़े वॉलंटियर्स हैं, और जो आपने जो स्पिरिचुअलिटी की बात करी शायद वो मी से उठकर वी पे जा रहे हैं, तभी इतने वॉलंटियर्स भी होते हैं, नॉट नेसेसरली यू हैव टू बी रिलीजियस। जी हाँ, बात सही कहा है आपने, और मैं इस बात से सहमत हूँ किशोर जी कि ये कारण ये भी है, और ऑस्ट्रेलिया में ये परसेंटेज इसलिए है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स का मोस्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, और ये इस बात के रियलाइजेशन पे आ रहे हैं कि देर इज़ मोर टू मोर देन दिस रिलीजियस सिस्टम दैट वी हैव, देर इज़ मोर टू इट। थैंक यू वेरी मच सूर्य जी। अब कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो रहा है, समाप्त ही हो चुका है, बस ये मैं समाचारों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी मंगलवार को यहाँ पर, और रेडियो मनपसंद ऐप पर आप सुन सकते हैं रोज़ 24 घंटे सातों दिन। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए किशोर नंगरानी को, आइए सुनते हैं ये समाचार। नमस्कार, NEMBC द्वारा निर्मित नई खबरों में आप सभी का स्वागत है, मैं शगुन गुप्ता। स्वास्थ्य अधिकारी अब माता पिता को स्कूल जाने वाले बच्चों को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाने की सलाह पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अच्छे स्वस्थ बच्चों की इमरजेंसी विभाग में संख्या बढ़ रही है। न्यू साउथ वेल्स की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चैंट ने बढ़ते फ्लू केसेस पर रोशनी डाली, और इनमें भी मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा बी के केसेस थे, जो स्कूल जाने वाले बच्चों की उम्र में ज़्यादा खतरनाक रूप से फैल रहा है। पिछले हफ्ते NSW के इमरजेंसी विभागों ने फ्लू से संबंधित केसेस में 37% का उछाल देखा, जिनमें 50% केसेस में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे। कैरी चैंट ने 6 महीने से ऊपर सभी बच्चों को फ्लू की वैक्सीन लेने का सुझाव दिया है। NSW के मुख्य पीडियाट्रिशियन